इस वेबिनार में आप सभी का स्वागत है। बंधुओं, कोरोना का जो तांडव चल रहा है कब तक चलेगा किसी को पता नहीं, ये कहां जाकर इसका अंत है किसी को पता नहीं। तो क्या हम चुपचाप बैठे रहेंगे, हाथ पर हाथ रखकर क्या घर में बैठे रहेंगे? हमको अपनी सामाजिक, पारिवारिक, व्यापारिक सारी गतिविधियां चालू रखनी है। उसी को मद्देनजर रखते हुए हमने पिछली 3 मीटिंगें की है इसी वेबिनार के माध्यम से, और हमारा जातीय पर्व महेश नवमी का आयोजन भी हमने वेबिनार के माध्यम से किया था। काफी संख्या में लोग पार्टिसिपेट किए, कोलकाता के बाहर के लोग भी जुड़े, और आज भी देख रहा हूँ कि कलकत्ते से बाहर से काफी लोग जुड़े इस कार्यक्रम में अजय गगड़ जी को सुनने के लिए। तो शुरू करते हैं आज की ये वेबिनार मीटिंग, और स्वागत भाषण के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ हमारे माहेश्वरी विकास परिषद के अध्यक्ष श्री श्री किशन मल। श्री किशन जी मल आए और अपना स्वागत भाषण रखे। माहेश्वरी विकास परिषद द्वारा आयोजित इस परिचर्चा में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। कुछ रोज पहले श्री राधेश्याम जी जवर से बात हो रही थी तो उन्होंने एक किस्सा सुनाया कि एक आदमी कोमा में चला गया और उसका काफी पैसा बैंक में रहते हुए वो अपने इलाज में कोई खर्च नहीं कर सका, न उसकी वसीयत काम आई न उसका नॉमिनेशन काम आया। मेरी इस विषय में काफी रुचि रही कि भाई ये जानकारी वसीयत कैसे बने, क्या बने, इस संबंध में अपने को जानना चाहिए, और मैंने उनसे अनुरोध किया कि किसी विशेषज्ञ को बुला करके एक ऐसी परिचर्चा रखी जाए, और उसी के अनुसार श्री राधेश्याम जी ने आज अजय जी गगड़ को बुलाया है जो इस विषय के काफी जानकार है। मैं अजय जी का भी स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, और आप सबका इसमें पुनः स्वागत करता हूँ। मुझे आशा है आप इस वेबिनार से कुछ जरूर लाभ उठाएंगे। धन्यवाद। जय महेश। धन्यवाद मल जी। राधेश्याम जी ने आपको एक किस्सा सुनाया और आप तुरंत उसको कार्यक्रम के रूप में परिणित कर दिया। अध्यक्ष हो तो ऐसे हो। अब मैं राधेश्याम जी से निवेदन करता हूँ कि समय की बर्बादी न करते हुए, जैसा कि अजय गगड़ जी ने कहा कि इसको दूसरे वेबिनार में जाना है, तो हम अतिशीघ्र उनका परिचय रखते हुए हम कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं। श्री राधेश्याम जी झब्बर आवे और अजय गगड़ जी का संक्षिप्त परिचय रखे। धन्यवाद राठी जी और अध्यक्ष महोदय श्री श्री किशन जी मल, आप सबका इस वेबिनार में और जो बंधु बैठे हैं सबका स्वागत। अजय गगड़ का क्या परिचय दूं? कलकत्ते की नामी सॉलिसिटर फर्म आरएल गगड़ एंड कंपनी, जिससे अपने सब परिचित हैं। श्री अजय गगड़ आरएल गगड़ के सुपुत्र हैं, वैसे प्रोफेशनली चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं, अभी हाई कोर्ट में एडवोकेट का काम करते हैं, और इन कामों के अलावा उन्होंने और भी कई जगह इंटरेस्ट ले रखा है। तो एज ए रिजोल्यूशन प्रोफेशनल ही स्पेशलाइजेज इन कॉरपोरेट मैटर्स एंड अदर लीगल मैटर्स विच आर वेरी फ्रिक्वेंटली रेफर्ड बाई ऑल द क्लाइंट्स। तो ज्यादा टाइम नहीं लेकर के आई वेलकम यू अजय टू दिस वेबिनार। थैंक यू गवर जी, मल जी, राठी जी, बाकी सब सदस्य जो महेश्वरी विकास परिषद के हैं, आप सबको मेरा नमस्कार। और मेरे लिए ये बहुत सौभाग्य की बात है कि मैं आज उपस्थित हुआ आप सबके सामने में इस वेबिनार के थ्रू, और एक ऐसे विषय को लेकर के जो हर समाज में प्रचलित है, और उसके अलावा इस कठिन समय में कई लोगों के दिमाग में चल रहा है, वसीयत, यानी कि अंग्रेजी में बोलते हैं विल या टेस्टमेंट। तो आज अपने इसके बारे में थोड़ा डिस्कशन करेंगे। जैसे झवर जी से मेरी बात हुई थी, जब झवर जी ने मेरे को इनवाइट किया था तो बोले भाई हिंदी में बोलना पड़ेगा, तो मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन मैं पूरी चेष्टा जरूर करूंगा जितना बोल सकूं। वैसे मैंने एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाया है,
वो अंग्रेजी में है लेकिन मैं उसको धीरे धीरे ट्रांसलेट करके आपको समझाता रहूंगा, अगर कोई भूल हो तो मेरे को माफ कर दीजिएगा उसके लिए। तो वर्ड वसीयत, हिंदी में बोलते हैं वसीयत, अंग्रेजी में बोलते हैं विल या टेस्टमेंट। वसीयत एक एक्चुअली उर्दू वर्ड है, मैं खोज रहा था कि वसीयत ये वर्ड आया कहां से, ऑफ कोर्स कहीं से मेरे को नजर नहीं आया, बट इतना मालूम पड़ा कि इसका ओरिजिनेशन अरबिक से है, इट्स एन अरबिक वर्ड, वहां से ओरिजिनेट होता है वसीयत। जहां तक टेस्टमेंट का सवाल है, टेस्टमेंट एक लैटिन वर्ड है और अपने पढ़े हैं हम लोग ने, जो जो लोग कॉन्वेंट स्कूल से पढ़े हैं उनको मालूम होगा कि जो फेमस टेस्टमेंट जिसको बोलते हैं बाइबल, टेस्टमेंट कुछ नहीं एक स्टेटमेंट ऑफ बिलीफ है, और द फेमस टेस्टमेंट जो है आज के दिन अपनी बाइबल है जिसमें ओल्ड एंड न्यू टेस्टमेंट रहता है। अपनी आपको ध्यान होगा अपने हिंदी पिक्चर जब पुरानी पिक्चरें देखते थे तब जब भी कोई कोई सेठ की मृत्यु होती थी तो उसका वकील घर में सब रिलेटिव को बुला करके अनाउंस करता था। एक अंग्रेजी में कहावत है कि इफ देयर इज अ विल यू हैव 500 रिलेटिव्स। तो जैसे कभी कोई विल प्रोनाउंस होती है तो जो घर वाले हैं, जो दूर दूर के रिलेटिव्स हैं, सब आके सुनने लग जाने लगे उनके लिए कोई विल में कुछ लिखा गया है कि नहीं लिखा गया। तो आज अपने ये विल के बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। जो कि आज का वार्तालाप है वो बहुत क्लियर है कि विल क्यों और कैसे, तो मैं उसमें भी काफी स्ट्रेस डालूंगा, लेकिन बहुत शॉर्टली आपको बताता हूं कि ये विल है क्या। भाई विल या वसीयत जिसको कहा जाता है एक कानूनी घोषणा है, एक लीगल डिक्लेरेशन है, जो कि जो वसीयत करता है, जो वसीयत करता मीन जो विल लिखता है, अंग्रेजी में उसको हम लोग टेस्टेटर कहते हैं, जो वसीयत करता है वो इस विल में अपनी इच्छा प्रकट करता है कि उसकी मृत्यु के प्रता उसकी मृत्यु उसकी मृत्यु के बाद में उसकी जो संपत्ति है, उसकी जो जायदाद है वो किस तरह से बटे जाए। तो ये असल में वसीयत यानी विल का बेसिकली सिनॉप्सिस है, तात्पर्य है, माने इट इज अ लीगल डिक्लेरेशन बाय विच अ टेस्टेटर, जो टेस्टेटर होता है, जो विल बनाता है, ही इज प्लानिंग टू राइट इन द विल कि इनकी अपनी मेरी संपत्ति, मेरी जायदाद किस तरह बेनिफिशियरीज को डिस्ट्रीब्यूट की जाए। तो इसी का ये विल मतलब ये अपने वसीयत का मतलब ये हुआ। ये वसीयत कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये किसी तरह का अग्रीमेंट नहीं है, किसी तरह का अग्रीमेंट नहीं है, किसी तरह का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये सीधी सादी एक आदमी के एक व्यक्ति का मेरे ख्याल से एक डिक्लेरेशन है कि मेरी संपत्ति मेरे मरने के बाद मेरे हिसाब से इन लोगों में बटी जाए। आज की तारीख में अगर आपके पास विल नहीं है तो आपकी जितनी संपत्ति है वो एज पर द हिंदू सक्सेशन एक्ट आपके जितने एज हैं, जितने उत्तराधिकारी हैं, उन पर उन पर डिवाइड हो दिया हो जाएगा, उनके उनके शेयर के हिसाब से उस पर डिवाइड हो जाएगा। तो मैंने ये प्रेजेंटेशन आपके लिए बनाया है जो इंग्लिश में मैं एक बार पढ़ लेता हूँ, ऑफकोर्स आपको हिंदी में समझा दिया हूँ। विल मीन्स द लीगल डिक्लेरेशन ऑफ द इंटेंशन ऑफ अ पर्सन with respect to his property, which he desires to take effect after his death. It is unilateral document drawn by a person with clear instructions as to how his assets are to be distributed on his death. It can be revoked, altered. इसके लिए मैं बाद में आप लोग से डील करूंगा। तो ये एक बेसिकली बेसिक इंटेंट है विल का कि आप अपनी इच्छा प्रकट करिए कि आपकी संपत्ति जायदाद किस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट की जाए आपके मरने के हिसाब से। अब विल की अब आपको अब मैं डिस्क्राइब करता हूं कितनी तरह की विल बनती है, ये मैं आपको डिस्क्राइब करना चाहता हूं। चेंज द साइड, व्हाट इज द टाइप ऑफ विल। देखिए कानून के हिसाब से विल दो तरह की होती है, प्रिविलेज्ड विल एंड अनप्रिविलेज्ड विल। प्रिविलेज्ड विल उन लोग के लिए है, मैं ज्यादा स्ट्रेस नहीं डालूंगा प्रिविलेज्ड विल में, क्योंकि ये प्रिविलेज्ड विल जो है वो सिपाहियों के लिए है या जो मरीन में दूर में रहते हैं अपने नेवी वाले उनके लिए है, क्योंकि वो अपनी विल खुद लिख नहीं सकते हैं या अपने वकील को हायर करके नहीं लिख सकते हैं, तो ये उनके लिए बनाया गया है। मैं इसमें ज्यादा स्ट्रेस देना नहीं चाहता हूं क्योंकि इसके लिए अपने को ज्यादा ये अपने लिए इतना लागू नहीं होता है, तो मैं ज्यादा इसमें स्ट्रेस नहीं दूंगा प्रिविलेज विल में। मैं आपको अब अनप्रिविलेज विल में आ जाता हूं जो कि अपने लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
अनप्रिविलेज्ड विल, अनप्रिविलेज्ड विल जो है वो आप और हमारे लिए अपने सबके लिए अनप्रिविलेज्ड विल आती है। अनप्रिविलेज्ड विल क्या है? बहुत सीधी है जी, कि आप अपने एक प्लेन पेपर में अपनी इच्छा अनुसार उसमें व्याख्यात कर सकते हैं कि आपकी संपत्ति, आपका एसेट आप किस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं। ये कोई स्टैम्प पेपर में या कोई या और कोई कागज में लिखने की कोई भी दरकार नहीं पड़ती है विल को। एक आप खाली कागज में, एक कोरे कागज में आप लिख करके इसको अटेस्ट कर करके अगर आप रख देंगे, ये एक लीगल डिक्लेरेशन कहलाता है। अंडर द अनप्रिविलेज्ड विल बहुत सारी विलें बनती है, मैं उसको एक एक करके आपको डिस्क्राइब करूंगा। एक विल बनती है जिसको बोलते हैं हम कंटिंजेंसी विल। इसकी हर एक विल में एक कुछ ना कुछ एक कंडीशन लगा रहता है कि अगर आप ये करोगे तब आपको ये संपत्ति मिलेगी, आप ये करोगे तब आपको एक कंटिंजेंसी लिखा रहता है कि आप एक फैक्टर लिखा रहता है कि आपके ये करने के बाद ही आपको संपत्ति मिल सकती है। इसको अपने बोलते हैं कंटिंजेंसी विल या एक कंडीशनल विल। एक अंग्रेजी पिक्चर आई थी बहुत फेमस, ब्रूस्टर्स मिलियन बोल करके, उसमें मैंने लिखा भी है यहाँ पे। ब्रूस्टर्स मिलियन में क्या होता है, जो हीरो है रिचर्ड प्रायर, वो उसको उसके फादर उसके नाम में एक विल छोड़ के जाते हैं और उसको बोलते हैं कि तुमको मेरी संपत्ति तभी इनहेरिट करने को मिलेगी जब तुम पैसे का मूल्य समझोगे। अगर तुम पैसे का मूल्य नहीं समझोगे तो तुमको मेरी संपत्ति तुमको नहीं मिल सकती है। तो ये एक तरह से कंडीशन हो गया कि आप जो इम्पोज करते हैं विल के अंदर में कि आप अगर ये करोगे तभी आपको मेरे ये एसेट मिल सकता है। मेरे को याद एक पिक्चर आई थी, ये 9211 टैक्सी नंबर 9211 आपने सबने देखी भी होगी कई लोगों ने। उसमें भी वो दिखाते हैं कि जॉन अब्राहम एक वो विल के पीछे दौड़ रहा है और क्या है वो विल में भी जो एग्जीक्यूटर है उसके पिताजी लिख के जाते हैं कि भैया तुम अगर सही तरीके से आदमी बन जाओगे तब तुम पूरे एसेट को तुम अपने वेस्ट कर सकते हो, तुम्हारे वो एसेट है वो तुम्हारे नाम में तभी लिखी जाएगी तब तुम सही आदमी बन जाओगे। तो इसको बोलते हैं कंटिंजेंसी विल। दूसरी विल है कोई, उसको बोलते हैं अपने जॉइंट विल। जॉइंट विल क्या होती है, जब हस्बैंड वाइफ दोनों जॉइंटली एक विल डिक्लेयर करते हैं। भाई हस्बैंड वाइफ ये बोल दिए कि भैया हम लोग एक जॉइंट विल बनाना चाहते हैं जिसमें कि ये डिसाइड करेंगे कि भैया आज मेरे मरने के बाद मेरी संपत्ति तुम्हारे पास चली जाएगी, तुम्हारे मरने के बाद मेरे पास आ जाएगी, लेकिन दोनों के मरने के बाद ये संपत्ति जो है जो हिसाब से बटनी चाहिए वो हिसाब से बटेगी। इसमें इस विल में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है ज्वाइंट विल में कि आपने दोनों ज्वाइंटली डिक्लेरेशन तो दे दिया कि भैया आज मेरी संपत्ति आपके पास चली जाएगी, लेकिन आपने कंडीशन भी डाल दिया है कि आपके मरने के बाद में ये संपत्ति इस तरह से डिवाइड हो जानी चाहिए। अब खुदा ना खास्ता कि आज जैसे कि हस्बैंड 40 साल की उम्र में मर गया तो आज उसकी वाइफ को ये इसकी जो संपत्ति जो उसके नाम में आई है उसको कई बार इनकैश करने के लिए तो उसको चाहिए मौका, कई बार उसको रुपए की सख्त दरकार, पैसे की सख्त दरकार पड़ जाती है, तो वो इस विल के थ्रू बेच नहीं सकती वो प्रॉपर्टी क्योंकि उन्होंने जॉइंटली डिक्लेयर कर दिया है कि ये विल के थ्रू मेरी जो प्रॉपर्टी है वो अल्टीमेटली इस जो जॉइंटली जो डिक्लेयर किया उस हिसाब से बटनी चाहिए। तो ये विल में बहुत बड़ी एक लकुना है। कई क्लाइंट्स आते हैं मेरे पास में जो बोलते हैं कि गगन साहब आप हमारा जॉइंट विल कर दीजिए, तो मेरे को ये समझाना पड़ता है कि भाई जॉइंट विल करने जाएंगे तो आपके लिए ये एक बहुत बड़ी समस्या है। तो आप 10 बार सोचिए जॉइंट विल करने के लिए। हाँ, आपकी इच्छा जरूर है कि आप अपनी संपत्ति अपने वाइफ को देना चाहते हैं, उसके बाद अपने बेटों को डिवाइड करना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जॉइंट विल के थ्रू कई बार आपकी ये तकलीफ आ जाएगी कि अगर आपकी वाइफ को वो संपत्ति बेचनी पड़े तो एक बहुत बड़ा एक ऑब्स्ट्रक्शन आ जाएगा। इसीलिए जॉइंट विल को हम लोग नॉर्मली एडवाइस करते हैं कि जॉइंट विल में तो इसके बाद कौन सी एक विल है मैं आपको समझाता हूं। जॉइंट विल के बाद में दूसरी विल है जिसको बोलते हैं कि म्यूचुअल विल। म्यूचुअल विल ये है जिसमें दो सेपरेट विल एकदम जिसको बोलते हैं मिरर विल बनती है। आज हस्बैंड वाइफ म्यूचुअली एक विल बनाते हैं जिसमें बोलते हैं कि हस्बैंड बोलता है
कि मेरी जितनी संपत्ति है मेरे मेरे मरने के बाद मेरी पत्नी को मिल जाना चाहिए, और पत्नी ये बोलती है कि मेरे मरने के बाद मेरी संपत्ति मेरे हस्बैंड को मिल जाना चाहिए। तो ये एकदम बढ़िया, एकदम एकदम जिसको बोलते हैं ना, इसको बोलते हैं म्यूचुअल विल। दोनों विल एकदम मिरर जैसे होते हैं, इसमें कोई 19-20 नहीं होता है। आप अपनी जरूर इस विल में ये प्रकट कर सकते हैं कि भाई मेरी इच्छा ये है कि मेरी संपत्ति मेरी वाइफ को जानी चाहिए, लेकिन उसके बाद अगर वाइफ चाहे तो ये मेरी संपत्ति मेरे बच्चों में इस तरह डिवाइड हो जानी चाहिए। वो आप जरूर एक पॉइंट डाल सकते हैं विल के अंदर में, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वाइफ इसको कंप्लाई करेगी। वाइफ जैसे ही विल के पर्याप्त उसके पास उसके हस्बैंड के एसेट्स पूरे उसी के पास आ जाएंगे, वो अपने मर्जी के हिसाब से वो एसेट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है। तो इसको अपने बोलते हैं एक म्यूचुअल विल। उसके बाद आ जाती है एक डुप्लीकेट विल। डुप्लीकेट विल और कुछ नहीं है कि आपने एक विल बनाया है और सेम डुप्लीकेट विल आपने एक अपने बैंकर के पास भी छोड़ दिया है, ताकि क्या है कि जब समय में दरकार हुई तो ये विल प्रोड्यूस कर लिया जाए। ये दोनों डुप्लीकेट विल्स एकदम, माने इट्स अ डुप्लीकेट विल, माने एक जो विल बनी है उसी का डुप्लीकेट विल आप किसी और एक आदमी के पास छोड़ देते हैं। लेकिन जो ओरिजिनल विल अगर वो डिस्ट्रॉय हो जाती है तो जो डुप्लीकेट विल है वो भी बेकार हो जाता है। इसको बोलते हैं डुप्लीकेट विल। फिर एक आता है शैम विल। शैम विल कुछ नहीं है, जब कोई आदमी फ्रॉड से कोई विल बनाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं शैम विल, या कोई कोएजन से बना। कोएजन मतलब कि आप गन पॉइंट में किसी को बोल दिए कि भैया अगर आप ये विल नहीं बनाओगे मेरे नाम में तो मैं ये सुसाइड कर लूंगी, या मैं ये कर लूंगी, या मैं ये कर लूंगी। इसको हम लोग बोलते हैं शैम विल। अगर ये प्रूव हो गया कोर्ट में कि ये फ्रॉड है, ये शैम विल है, तो ये इसको विल को इनवैलिड विल बोल दिया जाता है। उसके बाद एक होलोग्राफिक विल। होलोग्राफ विल और कुछ नहीं है, आप अपने हाथ से कोई विल बना रहे हैं और उसको अपने बोलते हैं होलोग्राफ विल। कई लोग चाहते हैं कि अपने हाथ से ही विल बनाए और अपनी हैंडराइटिंग से विल बनाए, उसमें कोई गलती नहीं है, आराम से कोई भी कर सकता है, कोई टाइपराइटर की दरकार नहीं है, कोई कंप्यूटर की दरकार नहीं है। आप अपने हाथ से विल बना सकते हैं, बट आप इंश्योर कर लीजिएगा जब आप विल बनाए तो उसमें अपना सिग्नेचर जरूर दे दें, आप उसको ठीक से अटेस्टेशन करवा लें। मैं इसमें भी डील करूंगा इन टाइम टू कम कि अटेस्टेशन और सिग्नेचर की क्या महत्व है, क्या वैल्यू है। इसके बाद एक बहुत इंटरेस्टिंग विल है जिसको बोलते हैं लिविंग विल। नाउ लिविंग विल आज के दिन में भारतवर्ष में यूज नहीं हो रही है। भारतवर्ष में लिविंग विल आज इसका प्रचलन एकदम नहीं है। इसको इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसको बोला है लिविंग विल बोल के, भारतवर्ष में कुछ नहीं है। इसको बोलते हैं अपने एडवांस मेडिकल डायरेक्टिव्स। ये एडवांस मेडिकल डायरेक्टिव्स क्या है? एडवांस मेडिकल डायरेक्टिव ये है जब जबकि एक व्यक्ति एक अपनी जिसको बोलते हैं विल समझ लीजिए, विल अपने तो विल परिभाषा समझते हैं कि प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हैं। ये विल बहुत प्रचलित है अपने अब्रॉड वेस्टर्न कंट्रीज में, वहां बहुत प्रचलित है, जिसमें कि एक व्यक्ति ये लिविंग विल के द्वारा ये बोल सकता है कि मेरी तबीयत अगर खराब हो तो मेरी मेडिकल ट्रीटमेंट क्या हिसाब से होनी चाहिए। आज की तारीख में कई ऐसे व्यक्ति हैं जो कि एकदम वेजिटेबल हो गए हैं, जो कोमा में पड़े हुए हैं, जो कुछ नहीं कर सकते, वेजिटेबल हो गए हैं, उनके लिए ये विल बहुत लागू रखती है। अनफॉर्चुनेटली भारतवर्ष में अभी तक ये लिविंग विल को लेके कोई लेजिस्लेशन नहीं आई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट में कहा है कि भारतवर्ष में इसका लिविंग विल बोल के कुछ नहीं लिखेंगे, हम लोग बोलेंगे एडवांस मेडिकल डायरेक्टिव। एडवांस मेडिकल डायरेक्टिव के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर कोई पैसिव पेशेंट है जो पैसिव यूथनेशिया में चला गया, उसको हम पैसिव यूथनेशिया दे सकते हैं। जो वेजिटेबल हो गया है उसको हम एक पैसिव यूथनेशिया दे सकते हैं। ये एक बहुत चैलेंजिंग चीज है, बिकॉज आज की तारीख में अपने भारतवर्ष में क्योंकि इसका प्रचलन नहीं है, अपने नहीं चाहते हैं कि अपने नजदीक वाले, अपने नियर एंड डियर वाले को अपने किसी तरह तकलीफ पहुंचाएं या किसी तरह उनको मौत की घड़ी में डाल दें। लेकिन हिसाब से देखा जाए तो उनके लिए तो यही बेस्ट तरीका है कि उनको यूथनेशिया दे दिया जाए, ताकि वो जो कष्ट पा रहे हैं वो उससे मुक्ति पा जाए। तो ये विल जो आगे जाकर के, ये लिविंग विल या एडवांस मेडिकल डायरेक्टिव का बहुत प्रचलन होने वाला है आगे जाकर के। खैर, मैं जैसे आपको बताया कि आज की तारीख में इसका प्रचलन बहुत लिमिटेड है।
एक जो केस हुआ था हैदराबाद में अगर आपको याद होगा, जिसमें कि एक मदर ने अपने बेटे के लिए कई बार एप्लीकेशंस किए थे सुप्रीम कोर्ट में कि उसको एक यूथनेशिया दे करके उसका शरीर शांत कर देना चाहिए क्योंकि वो वेजिटेबल हो गया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बार बार वो नकार दिया। अल्टीमेटली जाकर के किसी तरह सुप्रीम कोर्ट ने देन एक ऑर्डर दिया था कि भाई उसको पैसिव यूथनेशिया दिया जाए। वो एक बहुत चैलेंजिंग केस था, बट जो घर वाले हैं वो कितनी शांति उनको मिली होगी आज उसका शरीर सब शांत हुआ, बिकॉज उसको उस दिन पर दिन वो कष्ट ही पा रहा था और किसी के उसको देखते हुए लोगों को, उनके घर वालों को मेरे ख्याल से डेफिनेटली बहुत कष्ट हुआ होगा। तो इसको बोलते हैं एडवांस मेडिकल डायरेक्टिव। अब मैं आपको दूसरी चीज, अब कौन विल कौन बना सकता है इसके बारे में अपनी चर्चा करेंगे। एनी पर्सन विद अ साउंड माइंड, माने जिसका होश हवास एकदम सही है, वही एक विल बना सकता है। अगर किसी के कोई इंटॉक्सिकेशन में है या कोई इंसेन हो गया है, वो अपनी विल कभी नहीं बना सकता है। तो इट इज वेरी क्लियर, जैसे कि बोलते हैं ना हम लोग जब भी विल एक बनाते हैं उसमें लिखता है कि दिस विल इज बीन प्रिपेयर्ड विद अ साउंड माइंड, कंप्लीट साउंड माइंड। हम लोग ये हर एक लाइन लिखाते हैं कि ही हैज रिटन विद अ कंप्लीट साउंड माइंड, अपने होश हवास में इन्होंने ये अपनी विल बनाई है, न किसी के दबाव में आए हैं न किसी के कोएर्शन में आए हैं, होश हवास में विल बनाई है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो विल बनाता है ही हैज टू बी ऑफ अ साउंड माइंड। दूसरी चीज है कि कोई माइनर जो है 18 साल के बिलो वो विल नहीं बना सकता है, वो ही हैज टू बी अ मेजर, मेजर होने में ही वो अपनी विल बना सकता है। जो और एक चीज है जो कानून लिखता है कि जो आदमी डेफ है या डम है, अंधा है या बहरा है या बोल नहीं सकता है, वो भी अपनी विल बना सकता है, एज लॉन्ग एज ये देखा जाए कि वो अपनी इंडिकेशन उसके सामने, वो किसी को इंडिकेट कर रहा है कि तुम मेरी विल बनाओ और उसके सामने ये विल बनाई जा रही है। तो ये क्योंकि वो भले ही अंधा हो, भले ही बहरा हो, भले ही डम हो, लेकिन वो अपनी होश हवास में ये विल बना रहा है। तो ये एक बहुत महत्व रखता है कि कानून बोलता है कि वो भी अपनी विल बना सकता है। और एक कानून ये भी बोलता है कि अगर कोई आदमी इंसेन हो गया है, पागल हो गया है, लेकिन वो बीच के इंटरवल में उसमें सैनिटी आ गई है, वो पागलपन से निकल चुका है, वो भी अपना विल बना सकता है। देखिए ये सब बहुत चैलेंजिंग चीजें हैं कि आज तक, खैर मैंने कभी इस तरह की विल में कभी डील नहीं किया है कि किसी आदमी जो पागल हो गया है सडनली वो पागलपन से बाहर निकल गया है और फिर अपनी विल बनाया रहे। ये एक ऑफकोर्स थ्योरेटिकल चीज है, कानून जरूर ये बोलता है, लेकिन प्रैक्टिकल में देखा जाए तो बहुत बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि उसको आप प्रूफ कैसे करेंगे ये विल को, इट्स अ रियल चैलेंजिंग जॉब। अब अपने बोलते हैं कि विल कौन नहीं बना सकता है, जैसे आपको बतलाया कि आदमी कोई मनुष्य जो कि अनसाउंड माइंड में है या इंटॉक्सिकेटेड है या किसी तरह की उसमें, आज जैसे कि कई बार क्या होता है कि एजेड पर्सन हुए, कल मेरे पास एक कोई क्लाइंट आया था, वो बोला कि उसकी एक विल बनी हुई है, उसकी माता की माता, उसकी माता जी की एक विल बनी हुई है, वो कई साल पहले उसने विल बनाई थी, प्रॉपरली विल रजिस्टर्ड भी अटेस्टेड भी है, लेकिन माता जी की एज हो गई है अब 92 और उसके जो विटनेस है उसमें से एक विटनेस गुजर चुका है, तो वो चाहता था कि ये विल वापस बनाई जाए माता जी की। तो अब ये क्वेश्चन उठता है कि अगर 92 में एक दोबारा एक विल बनाएंगे अपने, तो अपने क्या बोल सकते हैं कि जो एक लेडी 92 ईयर्स की है वो प्रॉपर साउंड माइंड में है कि नहीं। ये विल कई बार चैलेंज हो सकती है, इस तरह की विल कई बार चैलेंज आ सकते हैं कोर्ट के अंदर में। तो आज की तारीख में एज अ लॉयर मैं तो सबको एक ही सलाह देता हूं, और उसके आगे भी मैं जिक्र करूंगा इसके लिए, कि सबको अपनी विल एट ए यंग एज बना लेनी चाहिए, उसका बहुत महत्व रखता है, उसकी बहुत वैल्यू रखती है। नेक्स्ट मैं सॉरी मैं थोड़ा जल्दी बोल रहा हूं बिकॉज कई सारे इसमें टॉपिक्स को कवर करना है, तो इसीलिए। अब ये विल के बेनिफिशियरीज कौन हो सकते हैं, पहले बहुत तो एक चीज याद रखना पड़ेगा कि जो वसीयत करता है वो सिर्फ अपनी प्रॉपर्टी को ही वसीयत में ला सकता है, वो कोई दूसरी प्रॉपर्टी को अपनी, जो प्रॉपर्टी उसकी नहीं है वो वसीयत में नहीं ला सकता है। आज कई सारी फर्जी विलें आई है
जिसमें हम लोग देखते हैं कि जो वसीयत करता है वो गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज को भी अपने विल में लिख दिया है। नाउ गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज जो आपकी नहीं है वो वसीयतनामा में लिख के चला गया है, और उसके जो बेनिफिशियरीज हैं वो लड़ रहे हैं कि भैया ये प्रॉपर्टी मेरे को मिलनी चाहिए। अरे भाई, जो प्रॉपर्टी गवर्नमेंट ने वेस्ट कर ली है, आप भले ही उसके हकदार रह चुके हो एक वंस अपॉन अ टाइम, लेकिन अब गवर्नमेंट ने वेस्ट कर ली है, तो आप उसको क्या विल में ला सकते हैं? कभी नहीं। आप वही प्रॉपर्टी को ला सकते हैं जो आपकी सेल्फ अक्वायर्ड प्रॉपर्टी है, या आपने कोई प्रॉपर्टी को इनहेरिट की है उसी को आप अपने विल में ला सकते हैं। वो भले ही मूवेबल प्रॉपर्टी हो या इमूवेबल प्रॉपर्टी हो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। आज मूवेबल प्रॉपर्टी और इमूवेबल प्रॉपर्टी ये आपके एसेट्स हैं। आप सब अपनी प्रॉपर्टी, सब अपने एसेट्स को आप विल में ला करके इसको डिस्ट्रीब्यूट आप कर सकते हैं। सो आज व्यक्ति जो वसीयत करता है उसको अपने विल में वही प्रॉपर्टी लानी चाहिए जो उसकी सेल्फ अक्वायर्ड प्रॉपर्टी या इनहेरिट प्रॉपर्टी है। उसके बियॉन्ड वो विल में लाने की उसको कोई दरकार नहीं है। अच्छा, हु कैन बी बेनिफिशियरी ऑफ अ विल? इसके बेनिफिशियरी विल के कौन हो सकते हैं? विल के बेनिफिशियरी कोई भी हो सकते हैं जी। ये कोई माइनर भी हो सकता है, कोई लुनेटिक भी हो सकता है। आप भगवान के नाम में भी विल बना के चले जा सकते हैं। आपको अपने बंगाल में आप देखे होंगे, ये बंगालियों में स्पेशली ये प्रचलन है कि वो अपनी संपत्ति कोई चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के नाम में लेके चले गए हैं, या कोई रामकृष्ण बेलूर मठ के नाम में लेके चले गए हैं। और बल्कि मुस्लिम लॉज में तो बहुत क्लियर लिखा है कि आप अल्लाह के नाम में अपनी प्रॉपर्टी दे सकते हैं। अल्लाह के नाम में इतनी प्रॉपर्टी भारत वर्ष में चली आ रही है, जो उसको अपने बोलते हैं वकफ प्रॉपर्टी, इतनी प्रॉपर्टी चारों तरफ है कि आप सोच भी नहीं सकते, इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो आज विल के बेनिफिशियरीज कोई भी हो सकते हैं। आज मेरे पास किसी एक सज्जन आए थे, आप आश्वस्त करिएगा, वो एक विल मेरे से बना के ले गए हैं जिसमें अपनी पूरी संपत्ति अपने ड्राइवर के नाम में लिख के चले गए हैं। एंड कोई छोटी मोटी संपत्ति नहीं है, बहुत बड़ी संपत्ति अपने ड्राइवर के नाम में लिख के चले गए हैं। ये तो सीधी बात है कि आपका मन किस पर भरता है, आप उसको बेनिफिशियरी बना सकते विल में। इनफैक्ट जवर जी और हम जो चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म से पास किए हैं लोडा एंड कंपनी, हमारे जो गुरु थे राधेश आर एस लोडा साहब, आप सबको मालूम होगा कि प्रियंबदा बिरला के विल में वो सबसे बड़े बेनिफिशियरी रहे हैं। आज आर एस लोडा जी एक आउटसाइडर थे, कोई बिरला फैमिली के कोई मेंबर नहीं थे, कोई सदस्य नहीं थे, वो खाली एक आउटसाइडर थे। लेकिन हाँ, वो कॉन्फिडेंट जरूर थे। और जो सुनने में आता है, वो और उनके लड़के हर्ष ने प्रियंवदा बिरला के लिए बहुत उनके लिए काफी नजदीकी से उनके साथ रह करके उनकी देखभाल की, उनकी तकलीफें दूर की। इसीलिए प्रियंवदा बिरला ने अपनी पूरी संपत्ति, पूरी जायदाद उनके नाम में लिख के वो चली गई। और वो ऐसा विल बना के गई है कि ये जायदाद उनको नहीं मिल रही है, ये एक एग्जीक्यूटर के हिसाब से उनकी जितनी प्रॉपर्टी, ये संपत्ति वो चलाएंगे वो। लेकिन उनको पूरी राइट दे दिया गया ये विल के पर्याप्त कि आप एज एन एग्जीक्यूटर, आप मेरी जितनी संपत्ति है, मेरी जितनी इंडस्ट्रीज है, आप उसको चलाइए। ये ट्रस्ट बन गया कि आप उस ट्रस्ट में आप ये चलाइए। ऑफकोर्स अभी ये विल बड़ी चैलेंज में आ रही है। अब तो आप आप रिसेंटली पढ़े भी होंगे न्यूज़पेपर्स में कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अब ये डे टू डे हियरिंग होनी चाहिए इस विल की, और इसका अल्टीमेटली क्या नतीजा है वो अपने को कुछ महीनों में ये भी मालूम पड़ जाएगा कि ये विल सही थी कि गलत थी। इस विल में भी मैं आपसे बाद में इस पे जिक्र करना चाहूंगा। तो बेनिफिशियरी कोई भी हो सकता है, ये आपके ऊपर है। आप विल में किसी को भी बेनिफिशियरी बना सकते हैं। आप भगवान को भी अपनी दे सकते हैं प्रॉपर्टी, अपने बच्चों को दे सकते हैं, अपने अपने जो आपके सेवक हैं उनको दे सकते हैं। तो ये एक बहुत प्लस पॉइंट है विल में। अगर आपके पास विल नहीं है तब आपकी प्रॉपर्टी तो एज अंडर द हिंदू सक्सेशन एक्ट
आपके उत्तराधिकारियों में बढ़ जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि आप अगर चाहते भी कि मेरे आपके कई लोग हैं जो आपके आपके आपकी देखभाल की है, आपकी सेवा की है, आप उनको कुछ देना भी चाहते थे, लेकिन क्योंकि आपने विल नहीं छोड़ी, विल में आपने उनके लिए नहीं छोड़ा कुछ भी, इसीलिए ये प्रॉपर्टीज जितनी है ये बाकी एज में आपस में बढ़ी हुई। अब आपस में बढ़ने के बाद तो अगर आपकी मन की इच्छा भी है तो वो संपूर्ण नहीं हो सकती है, बड़ा मुश्किल है। तो इसीलिए एक विल की बहुत सख्त दरकार है कि आप किसको आप अपने बेनिफिशियरी बनाना चाहते हैं, आप विल के जरिए ये आप उसमें प्रोनाउंस कर सकते हैं, उसमें आप अपनी इच्छा प्रकट कर सकते हैं, बल्कि आप उस अपने विल के थ्रू कोई माइनर को भी बेनिफिशियरी बना सकते हैं, उसमें कोई तकलीफ नहीं है। आज कई विलें बनती हैं जिसमें बोलते हैं भाई मेरे परपोतों को इतना जाना चाहिए, परपोते हैं लेकिन वो परपोतों को जाना चाहिए, अभी वो माइनर है, तो उसके लिए आप क्या करते हैं कि उनके हस्बैंड्स को या अपने बेटों को गार्जियन बना देते हैं कि जब तक वो माइनर रहेंगे आप ही उस प्रॉपर्टी का देखभाल करिएगा, जब मेजर हो जाएंगे तब वो प्रॉपर्टी उनको चली जाएगी। तो दे आर ऑल द बेनिफिशियरीज ऑफ द विल। अब मैं दूसरी चीज भी बदलाता हूं कि ये विल आप क्या एक बार बनने के बाद आप चेंज कर सकते हैं? आप ये विल अपने हजारों बार चेंज कर सकते हैं, जितनी बार आपकी इच्छा हो आप विल चेंज कर सकते हैं, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। आप नया विल बना सकते हैं या एक आप एडिशनल विल बना सकते हैं जिसको बोलते हैं हम लोग कॉडिसिल। कॉडिसिल एक सप्लीमेंट्री है, आपने जो विल बनाई है उसका सप्लीमेंट्री है, जिससे कि आप कुछ चेंज करना चाहते हैं, आपने जो एग्जीक्यूट किया है विल वो आप कॉडिसिल के थ्रू चेंज कर सकते हैं। तो नंबर वन, आप अपनी विल जितने वक्त चाहे जितनी बार चाहे आप उसको कैंसिल कर सकते हैं, वो मैं समझाऊंगा कैसे आप कैंसिल कर सकते हैं। दूसरी बात है आप अपनी फ्रेश विल जितनी बार आप चाहते हैं आप बना सकते हैं, उसमें कोई तकलीफ नहीं है, किसी तरह की अड़चन नहीं आ सकती उसमें। और अगर आप चाहें तो वो विल एज इट इज रह सकता है, उसके अगेंस्ट आप एक सप्लीमेंट्री भी विल बना सकते हैं जिसको बोलते हैं कॉडिसिल। कॉडिसिल के जरिए आप अगर उसमें कोई पहले वाले विल में कोई चेंजेस करना चाहते हैं वो कॉडिसिल के थ्रू आप कर सकते हैं। तो ये आप जरूर ध्यान रखिएगा, माइंड में से निकाल दीजिए कि मेरे पास अगर मैंने एक बार विल बना दिए तो वो सैक्रोसेंट हो गया या फाइनल हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है। विल आप 500 बार बना सकते हैं, जब तक आप जीवित हैं लास्ट तक आप विल बना सकते हैं। अब एक मिनट, मैं अब आपको आऊंगा कि विल की रजिस्ट्रेशन की दरकार है क्या। कई लोग बोलते हैं कि मेरा विल को रजिस्टर करना चाहिए। कानून के हिसाब से विल की कोई भी रजिस्ट्रेशन की दरकार नहीं है। आप विल एक कोरे कागज में लिख के चले जाइए, वही विल आपकी कहलाएगी। लेकिन लोग रजिस्टर क्यों कराते हैं उसका भी एक कारण है। लोग रजिस्टर ये इसलिए कराते हैं कि भाई जो रजिस्टर्ड विल है वो एक काइंड ऑफ लीगल डॉक्यूमेंट है जो कि रजिस्ट्रार के ऑफिस में आपको हर समय जब भी चाहे आपको मिल सकता है। कई बार ऐसे केसेस हुए हैं कि लोग अपने विल बना के गए हैं और एग्जीक्यूटर जो है उसका विल कम है। एग्जीक्यूटर का क्या रोल है आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन एग्जीक्यूटर जो अपॉइंट किया गया है वो एग्जीक्यूटर ने बदमाशी की और या तो विल फाड़ दिया या विल कोई एयर जो कोई भी आपके एयर है जिसको कोई भी संपत्ति नहीं मिली हो उसके साथ मिल करके विल को प्रोड्यूस ही नहीं किया। आज ये सबसे बड़ी समस्या आ जाएगी कि आज सपोज जो एग्जीक्यूटर अगर आप अपॉइंट कर रहे हैं वो अगर गलत आदमी निकल गया तब आपकी विल बेकार हो सकती है। इसीलिए लोग ये कहते हैं कि विल को रजिस्टर इसीलिए कराना चाहिए कि एक तो नंबर वन, इसको जब भी कोई चैलेंज करेगा तो कोर्ट ऑफ लॉ में कई बार इसको तकलीफ आ जाएगी इसको इस तरह के विल को चैलेंज करने के लिए, क्योंकि जो रजिस्टर्ड विल है वो रजिस्ट्रार के सामने रजिस्टर होती है और उसके साथ अटेस्टेशन होता है दो व्यक्तियों का। तो और क्योंकि ये रजिस्टर्ड विल है किसी भी समय कोई भी बेनिफिशियरी
कभी भी चैलेंज कर सकता है कि जब भी कोई एग्जीक्यूटर इस तरह की बदमाशी करे कि वो विल को प्रोड्यूस नहीं करे, वो विल को चेंज कर दे, तो वो बेनिफिशियरी, ये अगर उसके पास उसको थोड़ी सी भी भरक है कि ये कोई विल रजिस्टर्ड है, तो वो कोर्ट ऑफ लॉ में जाकर के इसको चैलेंज कर सकता है कि भाई ये रजिस्टर्ड विल है, इसको निकाला जाए रजिस्ट्रार के ऑफिस से और इसके जो टर्म्स है वो प्रोनाउंस किए जाए। तो इसीलिए रजिस्ट्रेशन ऑफ अ विल जिसको बोलते हैं कोई दरकार नहीं है, बट एज अ प्रिकॉशन जिसको बोलते हैं विल रजिस्टर किया जाता है। भाई आज जिनकी संपत्ति बहुत ज्यादा है वो ऑलवेज चाहेंगे कि उनका विल रजिस्टर्ड रहे, सो दैट उनके जो बेनिफिशियरीज हैं बाद में जाकर के किसी की ना किसी तरह की उनको तकलीफ नहीं आए। सो बट एक चीज ध्यान रखिएगा कि विल की रजिस्ट्रेशन की दरकार है ही नहीं, कोई दरकार नहीं है विल रजिस्ट्रेशन की। और ये भी ध्यान रखिएगा कि अगर आपकी कोई विल रजिस्टर्ड आज की तारीख में हुई है, कल जाकर के आप एक अनरजिस्टर्ड विल बनाते हैं, वो रजिस्टर नहीं कर पाए हैं और ये कोर्ट ऑफ लॉ में प्रूव हो गया कि ये जो अनरजिस्टर्ड विल है यही भी सही विल है, तो अनरजिस्टर्ड विल जो है वो आपके रजिस्टर्ड विल से प्रिवेल करेगी। इसका मतलब जो आपकी रजिस्टर्ड विल है वो नल एंड वॉइड हो जाएगी और जो अनरजिस्टर्ड विल है वो आपको, वो उसके हिसाब से आपके बेनिफिशियरीज, आपकी संपत्ति, आपकी जायदाद उसके डिस्ट्रीब्यूशन में आ जाएंगे। तो इसको बोलते हैं रजिस्ट्रेशन ऑफ अ विल। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि लोगों के ध्यान में रहता है कि प्रोबेट ऑफ अ विल क्या होता है। नाउ प्रोबेट ऑफ अ विल, प्रोबेट मतलब कोर्ट का एक सील लगना, कोर्ट का ऑथेंटिकेशन लगना है, जिसको बोलते हैं सील ऑफ द ऑनरेबल कोर्ट, इसको हम लोग बोलते हैं प्रोबेट। आज भारतवर्ष में खाली 3 शहरों में, बॉम्बे, मद्रास एंड कलकत्ता में, ये 3 शहरों में आपको अपनी विल का प्रोबेट करना ही पड़ेगा। प्रोबेट मींस व्हाट? आप अपना एक एप्लीकेशन करेंगे विल के सहित कोर्ट ऑफ लॉ में और जो कोर्ट ऑफ लॉ है वो इसको ऑथेंटिकेट करेगी कि ये विल सही है, उसको सील, उसको सर्टिफाई कर देगी कि ये विल आपका सही है। बट ये प्रचलन खाली 3 शहरों में है, बंबई, मद्रास और कलकत्ता। यानी कि इन 3 शहरों में अगर आपके पास कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टीज है तो आपको प्रोबेट निकालना मस्ट है। प्रोबेट इज अ नेसेसिटी, आपको निकालना ही पड़ेगा प्रोबेट। आज सपोज कोई दिल्ली के निवासी है, वो अपनी विल दिल्ली में बनाते हैं और उनकी कोई प्रॉपर्टीज बंबई, मद्रास या कलकत्ते में पड़ जाती है, उनको तब भी यहां आकर के, इन शहरों में आकर के जहां उनकी प्रॉपर्टी है, एक कोर्ट में अप्लाई करना पड़ेगा और कोर्ट से परमिशन लेना पड़ेगा डिस्ट्रीब्यूशन के पहले। इसको बोलते हैं प्रोबेट। आज अगर आपकी प्रॉपर्टी इन 3 शहरों में नहीं है तब आपके लिए कोई कंपल्सरी नहीं है कि आप प्रोबेट लें कोई भी कोर्ट ऑफ लॉ से। यानी कि अगर कोई दिल्ली में बैठा है और उसकी सब जायदाद, संपत्ति सब दिल्ली में ही है या और कोई शहरों में है जो कि बॉम्बे, कलकत्ता या चेन्नई में नहीं पड़ता है, तो उसको कोई प्रोबेट लेने की कोई दरकार नहीं है। वो सीधा साधा अपनी विल के हिसाब से, एग्जीक्यूटर उनकी विल के हिसाब से अपनी विल के हिसाब से पूरी अपनी डिस्ट्रीब्यूशन कर सकता है प्रॉपर्टीज। तो प्रोबेट का तब महत्व आता है जब ये प्रॉपर्टीज खाली बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता में है। लेकिन मैं तो अपने क्लाइंटों को एक ही सलाह देता हूं कि आप भले ही दिल्ली में बैठे हो, कहीं बंबई में बैठे, आप दिल्ली और कोई शहरों में बैठे हो, प्रोबेट कराने में कोई हर्ज नहीं है। हाँ, लेकिन आपको एक ध्यान रखना होगा कि जहां प्रोबेट कराने जाएंगे वहां एक स्टैम्प ड्यूटी का फर्क पड़ जाता है। आज कलकत्ते में, बॉम्बे या मद्रास में जो मेरी नॉलेज में है, वहां पे एड वॉलोरम ड्यूटी चलती है प्रोबेट निकालने के लिए। एड वॉलोरम ड्यूटी मतलब अगर आपकी संपत्ति 50 लाख की हुई तो आपको एड वॉलोरम ड्यूटी देनी पड़ेगी। मतलब कि 25 लाख के ऊपर आपका एक्स अमाउंट लगेगा, 40 लाख के ऊपर वाई अमाउंट लगेगा, 50 लाख के ऊपर वाई अमाउंट लगेगा। ये आपको स्टैम्प ड्यूटी, कोर्ट फी जमा करनी पड़ेगी प्रोबेट निकालने के लिए। लेकिन कलकत्ते में क्या है, आपकी संपत्ति अगर 10 लाख के ऊपर है
तो आपको सिर्फ 50,000 रुपए देना है कोर्ट फीस प्रोबेट निकालने के लिए। तो कलकत्ते इस मामले में बहुत लीनियंट है, बहुत ही ज्यादा लीनियंट है बजाय कि चेन्नई या बॉम्बे से, क्योंकि आपकी संपत्ति अगर करोड़ों में भी जाती है आपको सिर्फ 50,000 रुपए देना पड़ता है अपने प्रोबेट निकालने के लिए। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि प्रोबेट की क्या महत्व है, प्रोबेट की बहुत बड़ी महत्व है अगर आपकी प्रॉपर्टीज इन तीनों शहरों में है। अगर आपकी खाली मूवेबल प्रॉपर्टी है और तब आपको प्रोबेट निकालने की कोई दरकार नहीं है, लेकिन तब आप खाली सक्सेशन सर्टिफिकेट निकाल सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक ही चीज कहना चाहूंगा, आज सक्सेशन सर्टिफिकेट का जो प्रोसीडियर है वो बड़ा टीडियस प्रोसीडियर है देन टेकिंग आउट अ प्रोबेट। प्रोबेट का जो प्रोसीडियर है कोर्ट्स में बहुत ही सिंपल साधारण तरीके से हम लोग प्रोबेट निकालते हैं। हाँ, इसमें क्या होना पड़ता है प्रोबेट में, आप ध्यान रखिएगा जब भी प्रोबेट में हम लोग एप्लीकेशन करते हैं वहां पर हर एयर्स, जितने भी एयर्स हैं, उत्तराधिकारी हैं, उन सब की एक कंसेंट लेनी पड़ती है। आज ये एक बहुत बड़ी समस्या आ जाती है कई बार, जबकि हम लोग प्रोबेट निकालने जाते हैं, विल में जो वन ऑफ द एयर्स है उसको विल में उनको कुछ भी नहीं मिल रहा है, तो वो अपने कंसेंट देने से नकार देते हैं कि हम कंसेंट नहीं देंगे। तो अब हमारे लिए बहुत टीडियस प्रोसेस हो जाता है, जो प्रोबेट निकालते हैं तब बहुत टीडियस प्रोसेस हो जाता है। दूसरी बात ध्यान रखिएगा, प्रोबेट निकालते वक्त कोई भी बेनिफिशियरी, जो कोई भी एयर है, अगर वो बेनिफिशियरी है कि नहीं है, वो विल को चैलेंज कर सकता है। उसमें उतनी पावर है कि वो विल को चैलेंज कर दे। विल को दो ग्राउंड में चैलेंज कर सकते हैं। एक तो बोल सकता है कि भाई या तो फ्रॉड विल है, या ये विल बनाई गई है कोएर्शन से बनाई गई है, ये विल कोएर्शन से बनाई गई है या अंडू इन्फ्लुएंस से बनाई गई है। तब आपकी विल जो आप प्रोबेट के लिए अप्लाई किए, इसमें बड़ा वक्त लग जाता है प्रोबेट निकालने में। आज कलकत्ते शहर में नई नई करते करते मेरे हाथ में इतने केसेस है प्रोबेट के जो कि आज 20 साल से पेंडिंग पड़े हुए हैं। आज 20 साल से वो विल की एग्जीक्यूशन हो ही नहीं पाई है, क्योंकि किसी ना किसी ने उसमें विल में अड़ंगा डाल दिया है, और अड़ंगा डालने के बाद में जब तक कोर्ट पूरी सुनाई नहीं करेगा वो उसका ऑर्डर मिल ही नहीं सकता है। अभी हाल ही में मैंने एक प्रोबेट निकाला था जिसमें कि एक मेरे क्लाइंट है, वो एग्जीक्यूटर थे, वो एग्जीक्यूटर नहीं थे, वो बेनिफिशियरी थे, और उनकी एक बहुत बढ़िया संपत्ति थी दिल्ली में जो कि 100 करोड़ की संपत्ति थी। हाँ जी। जब ये उनके पिताजी ने ये पूरी संपत्ति अपने लड़के के नाम में छोड़ के चले गए, ये रजिस्टर्ड विल थी, उसमें कोई तकलीफ नहीं थी, लेकिन रजिस्टर्ड विल बावजूद होने के भी हम लोग जब प्रोबेट निकालने गए तब उनकी उसकी सिस्टर ने एक ऑब्जेक्शन खड़ा कर दिया। उनकी सिस्टर ने कहा कि ये जो विल बनाई गई है ये अंडियो इन्फ्लुएंस से बनाई गई है, हमारे पिताजी हमको बहुत चाहते थे, हमको बहुत लाइक करते थे, और वो इस तरह की विल छोड़ के जा ही नहीं सकते थे कि पूरी संपत्ति मेरे भाई के नाम में छोड़ के चले गए। आज हम लोग को 10 साल लग गए उसके प्रोबेट निकालने में, 10 साल लग गए। तो ये एक प्रोबेट का बहुत बड़ा चैलेंज है जी, जो कि हम लोग रोज फेस करते हैं कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी वक्त कोई अगर चैलेंज कर दे तब ये जो प्रोबेट का मामला है ये घसीट जाता है जी। अब मैं आपको बतलाऊंगा कि विल कैसे रिवोक कर सकते हैं। जैसे आपको बताया था कि विल कभी भी आप कैंसिल कर सकते हैं, रिवोक कर सकते हैं, तो विल कैन बी रिवोक्ड कई तरह तरीके यहां पे लिखा हुआ है। एक तो आप कोई सब्सिक्वेंट कोई विल बनाएंगे तो पुरानी वाली विल रिवोक हो जाएगी। एक अपने अगर आप इंटेंशन बोल रहे हैं, आप राइटिंग में दे रहे हैं, या एक आप राइटिंग में दे रहे हैं कि मेरी जितनी विल है पुरानी वो मैं सबको कैंसिल कर रहा हूं और मैं अभी तक कोई नई विल नहीं बनाऊंगा, अब उस तरह का डिक्लेरेशन भी दे सकते हैं, तब आपकी पुरानी जितनी विल है वो कैंसिल हो जाएगी। आप अपनी ओरिजिनल विल को जला सकते हैं, या आप ओरिजिनल विल को फाड़ सकते हैं, या आप अपने ओरिजिनल विल को किसी तरह डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो विल के कैंसिल करने के कई सारे तरीके हैं। आज सपोज कोई रजिस्टर्ड विल है, उसको आप कैसे कैंसिल करेंगे भाई? अच्छा तो यही रहेगा कि अगर रजिस्टर्ड विल है तो आप एक एप्लीकेशन डाल दें कि पुरानी विल को मैं रजिस्टर्ड जो हुई है मैं उसको कैंसिल करना चाहता हूं।
और उसको आप रजिस्टर करवा लें, ये जरूर पॉसिबल है। लेकिन अगर आप कोई इस तरह की बाद में विल छोड़ के जाते हैं ये, और उसमें ये बोलते हैं कि मेरी जो रजिस्टर्ड विल है वो आज की तारीख में रिवोक हो चुकी है और मैं ये फ्रेश विल बनाने जा रहा हूं, भले ही वो रजिस्टर्ड नहीं हो, तब भी ये अनरजिस्टर्ड विल जो रजिस्टर्ड विल है उसको प्रिवेल करेगी। तो ये आपका महत्व, आपके रिवोकेशन ऑफ विल के लिए कई सारे तरीके हैं जो मैं आपको अभी समझाया हूं। अब अपने बतला सकते हैं, आपको एक चीज और मैं बतलाना चाहता हूं कि आज जो विल है, एक मिनट, ये मैं ये कई सारे रिस्ट्रिक्शंस है विल में जो कि आप नहीं दे सकते हैं। इसके इसको मैं अभी इतने डिटेल में अभी बात नहीं करूंगा, बिकॉज क्या है कि ये आपको नक्शे में या तो बता दूं मैं कि कई सारे ऐसे रिस्ट्रिक्शंस हैं जो कि आप विल में नहीं लिख सकते। जैसे कि आप अगर विल में ये लिख दिए कि आप ऐसे आदमी का नाम लिख दिए कि भी मेरे लड़के का लड़के को ये संपत्ति जानी चाहिए, वो लड़के का लड़का पैदा ही नहीं हुआ है, आप गुजर गए हैं, तो ये विल बेकार हो गई आपके लिए, तो ये रिस्ट्रिक्शन जो है ये बेकार हो गया है। तो कई सारे इस तरह की रिस्ट्रिक्शंस हैं जो कि विल में आती है, और आपको वो रिस्ट्रिक्शंस को जो इम्पोज करते हैं अंडर इंडियन सक्सेशन एक्ट, आपको उस रिस्ट्रिक्शंस को मरते नजर रखना पड़ेगा जब आप विल बना रहे हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि विल में आपके क्या इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए, ये मैं अब आपको इस पे डील करना चाहूंगा कि विल में क्या इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए। एक मिनट, ये मेरे तो विल आप जब अपने विल बनाते हैं तो विल में क्या क्या होना चाहिए, बहुत आप ये ध्यान रखिएगा। विल में एक तो जो टेस्टेटर है यानी कि वसीयत करता है उसकी पूरी डिटेल्स होनी चाहिए विल के अंदर में। मैं आपको एक प्रोटोटाइप विल भी दिखाऊंगा, जिसको मैं आपको लाइन बाय लाइन दिखाऊंगा कि प्रोटोटाइप विल में कैसे क्या डील करते हैं। लेकिन फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट इज जो टेस्टेटर है यानी कि जो वसीयत करता है उसकी विल में पूरी डिटेल्स होनी चाहिए, माने उसकी उम्र कितनी है, बाय फेथ वो हिंदू है, उसके कितने बच्चे हैं, ये सब आपको विल में लिखनी चाहिए। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट पार्ट है कि आप किसको एग्जीक्यूट करना, जो एग्जीक्यूटर है आप जिसको अपॉइंट करना चाहते हैं उसका आपको विल में नाम लिखना बहुत जरूरी है। आपको जैसे मैं बताया कि जो आप उसी आदमी को या उसी व्यक्ति को एग्जीक्यूटर बनाइए जिसमें आपका पूरा कॉन्फिडेंस हो कि वो आपकी जो इच्छा है वो पूरी करेगा। अगर आप इस तरह के लोग को अगर एग्जीक्यूटर बना दी जो कि आपकी जो विल है, आपकी जो इच्छा है वो अगर संपूर्ण ही नहीं करे और वो विल को लेकर के बदमाशी कर ले, तब इस तरह के एग्जीक्यूटर को बना करके कोई मतलब नहीं है। इसीलिए पुराने जमाने में क्या होता था कि जो विल के एग्जीक्यूटर है वो नॉर्मली लॉयर्स को बनाया जाता था कि भाई मैं अपने वकील को बनाऊंगा, वही एग्जीक्यूटर है, बिकॉज वही मेरा कॉन्फिडेंट है, वही मेरे को गाइड करता है, और उससे बेहतर कोई एग्जीक्यूटर बन नहीं सकता है। लेकिन वो अब पुरानी बातें हो गई हैं। आप किसी को भी एग्जीक्यूटर बना सकते हैं जिसमें आपका कॉन्फिडेंस हो, ये बहुत एक जरूरी चीज है और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि एग्जीक्यूटर आपके हाथ का होना चाहिए जो आपकी इच्छाएं समझता है, आपके वैल्यूज समझता है। आज इस तरह के एग्जीक्यूटर को अगर आप बना दोगे तो जो हम लोग ने तकलीफें देखी है कई सारी, इसमें टेस्ट जो एग्जीक्यूटर है वो बदमाशी किया है, तो अब आपके कभी विल, आपकी इच्छा कभी संपूर्ण नहीं हो पाएगी, कभी भी संपूर्ण नहीं हो पाएगी। क्या है कि एक बहुत अच्छी कहावत है, अंग्रेजी में बोलते हैं, व्हाट यू लीव एट योर डेथ लेट इट बी विदाउट एनी कॉन्ट्रोवर्सी, what you leave at your death let it be without controversy, otherwise the lawyers will become your heirs. agar aap aisi will banaoge jisme us will mein controversy rahegi to ye to aapki sampatti vakil hi le jayega, wahi fayda pura uthayega usko. to ye aap dhyan rakhiyega ki aapko ek to will banani bahut zaruri hai taki jo aapka vakil hai wo uska fayda nahi utha le, hai main apne pair mein kulhari maar raha hu uske liye, lekin ये हकीकत है कि कई ऐसे केसेस हुए हैं कि वकीलों की रॉन्ग एडवाइस से
कई लोगों ने विल बना दिए हैं जो कि ऐसी विल बनी है जो कभी भी एग्जीक्यूट नहीं हो पाई है। उसमें कुछ ना कुछ ऐसी कॉन्ट्रोवर्सी आ गई कि ये विल कभी एग्जीक्यूट ही नहीं हो पाई। तो उस विल का हकदार फिर अगर आपने बाय चांस उस विल में अगर आपने अपने वकील को अगर एग्जीक्यूटर बना दिया है तो मान के चलिए कि वो विल कभी एग्जीक्यूट ही नहीं होगी, वो अपना पूरा उस विल का पूरा फायदा उठाएगा। तो आप एक चीज एक ध्यान रखिएगा कि अगर आप वकील को भी एग्जीक्यूटर बनाते हैं वो आपका कॉन्फिडेंस का होना चाहिए, जो आपकी मन आपकी आपके मन अनुजाई आपकी संपत्ति का बढ़िया सा डिस्ट्रीब्यूशन कर दे जो आप चाहते हैं। तो इसीलिए एग्जीक्यूशन एंड एग्जीक्यूटर ये दोनों एक बहुत महत्व रखता है एक विल के अंदर में। इट कैरीज अ लॉट ऑफ वेटेज इन अ विल। तीसरी बात क्या है कि विल में आपकी संपत्ति की डिटेल्स बहुत क्लियर एंड एक्सप्लिसिट होनी चाहिए। अगर आप कोई अपनी विल बनाते हैं और उसमें प्रॉपर्टीज वेट छोड़ देते हैं तो ये आगे जाकर के एग्जीक्यूटर को बहुत तकलीफ होगी इस प्रॉपर्टी को डिस्ट्रीब्यूट करने में। इसीलिए आप जब भी अपनी विल बनाएं, एक तो विल बहुत सरल लैंग्वेज में बननी चाहिए ताकि सब समझ सके, और उसमें प्रॉपर्टीज की डिटेल्स ऐसी होनी चाहिए ताकि आगे जाकर के उसके एग्जीक्यूशन में किसी तरह की कॉन्ट्रोवर्सी नहीं आए। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि जो प्रॉपर्टीज का आप डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं वो क्लियर कट मेंशन होना चाहिए विल में। ऐसी कई बार हुआ है कि लोगों ने अपनी विल बना दी है लेकिन उनके पास कुछ संपत्तियां रह गई हैं जो कि विल में नहीं है। आज कई बार ये होता है कि सपोज आपने विल आज बनाई है, इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम आपने कुछ संपत्ति खरीद ली और आपने अपनी विल चेंज ही नहीं की, तो आज उस संपत्तियों का क्या होगा? तो उस संपत्ति वो जो संपत्ति है अगर विल में कहीं नहीं लिखा हुआ है तो वो संपत्ति फिर आपकी एज पर द हिंदू सक्सेशन एक्ट आपके एज में आपकी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, क्योंकि उसका उस संपत्ति का आपके विल में कहीं निर्भर ही नहीं है, कहीं लिखा हुआ ही नहीं है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं जब भी कोई विल बनाते हैं तो उसमें लास्ट ये लाइन लिख देते हैं, कभी भी और भी कोई एसेट्स प्रॉपर्टीज धन दौलत मेरी इकट्ठा होगी इन टाइम टू कम वो फलाने को चली जाएगी। तो माने आज उसमें ये लिख देते हैं कि फ्यूचर में भी अगर कोई मेरी प्रॉपर्टी मैं खरीदूंगा या कोई अपनी वेल्थ को जनरेट करूंगा तो इस फलाने जन को चली जानी चाहिए, तो उसमें कोई किसी तरह की तकलीफ या किसी तरह का अड़चन नहीं आता है। लेकिन आप अगर अपने विल में प्रॉपर्टीज की डिस्क्रिप्शन भूल करते हैं तब एग्जीक्यूटर को काफी तकलीफ आ जाएगी ये विल को एग्जीक्यूट करने में। दूसरी बात है, विल में उस प्रॉपर्टीज के बेनिफिशियरीज कौन कौन है आपको क्लियर शब्द में ये जरूर लिखना जरूरी है। आप ये प्रॉपर्टीज को किसको देना चाहते हैं, किसको नहीं देना चाहते हैं, आप एकदम क्लियर सिंपल लैंग्वेज में प्लीज मेंटेन उसको आप अपने विल में लिख सकते हैं और लिखना चाहिए। आज कई बार ये होता है कि आपके बेनिफिशियरीज कोई आउटसाइडर्स हैं, आपने अगर भूल से उनका नाम मिस आउट कर गए आप, जबकि आपकी इच्छा थी कि आप उनको कुछ देना चाहते थे, तो उनको कभी कुछ मिलेगा नहीं, ये आप ध्यान करके रखिए। इसीलिए आपके जो जो बेनिफिशियरीज हैं उनका नाम बहुत क्लियर शब्दों में स्पेल आउट हो जाना चाहिए विल के अंदर में। दूसरी बात और एक बात है कि विल बाकी विल में क्या दरकार है, आप ये सब इंग्रेडिएंट्स के बाद में मैं आपको एक विल के थ्रू ले जाऊंगा जिसमें आपको एक एक पॉइंट समझाऊंगा कि क्या कैसे विल को एग्जीक्यूट किया जाता है। क्योंकि अपने पास समय कम है और जवर जी बिकॉज अपने पास टाइम शॉर्ट है मैं अभी खाली एक प्रोटोटाइप विल दिखा देता हूं, उसके बाद में कोई क्वेश्चन है वो आपने आंसर कर सकते हैं। क्यों एक चीज मैं आपको जरूर बोलना चाहूंगा कि कई बार लोग ये सोचते हैं कि अगर मैं किसी को नॉमिनी बना दिया हूं कोई एसेट का या कोई प्रॉपर्टीज का तो वही उस प्रॉपर्टी का हकदार हो गया, ये करेक्ट नहीं है। नॉमिनी इज ओनली अ केयर टेकर ऑफ दैट प्रॉपर्टी, ये ध्यान रखिएगा।
जो भी नॉमिनी है वो खाली एक कैटेगर है उस प्रॉपर्टी का। अगर आप अपने विल में लिखते हैं कि उसका बेनिफिशियरी एक्स वाई जेड है, तो उस भले ही उसमें नॉमिनी भी हो, वो प्रॉपर्टी उसी बेनिफिशियरी को जाएगी। तो ये आपको, कई लोग ये यहाँ पे मिस्टेक कर देते हैं, वो सोचते हैं कि मैंने एक नॉमिनेशन बना दिया है तो वो प्रॉपर्टी उसी को मिल जानी चाहिए, ये सही नहीं है। आज मैंने उसको नॉमिनी बना दिया है लेकिन मैंने कोई विल नहीं छोड़ी है, तब एज पर द हिंदू सक्सेशन एक्ट वो प्रॉपर्टी में भले नॉमिनी हो लेकिन वो एज में डिवाइड हो जाएगा, ये आप जरूर उससे ध्यान रखिएगा। अब मैं आपको एक विल दिखा देता हूं जो कि फॉर्म ऑफ अ विल, ये एक विल का प्रोटोटाइप है जिसके बोलते आई एन इंडियन इनहैबिटेंट एजेड दिस मच, ही बीइंग ऑफ साउंड एंड डिस्पोजिंग माइंड एंड एक्टिंग अंडर ड्यूरिस नॉन ड्यूरिस नॉन एक्टिंग अंडर ड्यूरिस फ्रॉड और अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ एनी पर्सन डू हियर बाय मेक, मतलब कि मैं एक होश हवाश में ये विल बना रहा हूं, एकदम साउंड माइंड में ये विल बना रहा हूं, किसी के ड्यूरिस में आकर के ये विल नहीं बना रहा हूं, और मेरी जितनी पुरानी विल है अगर अगर कोई भी है, अगर वो रजिस्टर्ड भी है तो वो आज के दिन वो रिवोक हो जाएगी और यही मेरी लास्ट विल और टेस्टमेंट रहेगी। ये एक फर्स्ट लाइन है जो विल की हम लोग नॉर्मली लिखते हैं। फिर बोलते हैं कि मैं ये, फिर ये विल में बोलते हैं जो विल बना रहा है जिसको बोलते हैं हम लोग टेस्टेटर या वसीयत करता, वो ये बोलता है कि मैं अब काफी ओल्ड हो गया हूं और मेरे पास सिक्योरिटी की और लाइफ नहीं है, और इसीलिए मैं अपनी प्रॉपर्टी या अपनी संपत्ति को इसी हिसाब से उसका बंटवारा या उसको मैं डिवाइड करना चाहता हूं। फिर वो अपने अपने घर वालों का नाम, वाइफ का नाम, अपनी डॉटर्स का नाम लिखता है। ये डॉटर्स को, ये प्रॉपर्टी जो विल बनाई गई है, ये उसने अपनी डॉटर्स को अपनी प्रॉपर्टी दी है या अपने वाइफ को प्रॉपर्टी दी है, तो एकदम क्लियर कट है। तो इसमें ये चौथे नंबर में ये लिखता है कि मेरे पास ये सब प्रॉपर्टीज है। जैसे आपको मैंने कहा कि विल का एक बहुत बड़ा इंग्रेडिएंट है कि आपके पास क्या क्या प्रॉपर्टीज है, बहुत क्लियर शब्दों में वो आपको मेंशन करनी पड़ेगी विल में। तो जिसमें ये बोलते हैं आई हैव द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, जिसको मैं अपने इस तरीके से अपने बेनिफिशियरीज को मैं डिवाइड करना चाहता हूं। तो जो भी उनके बेनिफिशियरीज हैं, उनकी बेटियां हैं या उनके बेटे हैं, वो प्रॉपर्टीज को मैं इस तरह से उसको डिवाइड करना चाहता हूं। उसके बाद में और भी कोई मेरी प्रॉपर्टीज है उसको भी मैं इस विल के जरिए उसको डिस्पोज ऑफ कर सकता हूं। फिर छठे नंबर में बोलता है कि मैं एक सोल ओनर हूं एक फ्लैट का, ये फ्लैट मेरे नाम में है और मैं इस फ्लैट में रहता हूं, मैं इस फ्लैट को अभी इस फलाने नाम में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता हूं या बिक्वीत करना चाहता हूं। बिक्वीत मींस उसके नाम में मैं ये प्रॉपर्टी करना चाहता हूं, वही मेरी प्रॉपर्टी के बेनिफिशियरी है। उसके बाद में इसके लिए मैं एक एग्जीक्यूटर को अपॉइंट कर रहा हूं जो कि जैसे मेरे मरने के बाद में मेरी प्रॉपर्टीज का पोजेशन ले लेगा, और पोजेशन लेने के बाद में जितनी मेरी लायबिलिटीज हैं उसका वो कसर वो उसको पेमेंट कर देगा मेरे एस्टेट में से, और बाकी जितनी संपत्ति मेरे फ्यूनरल का अगर कोई खर्चा होना चाहिए वो भी इस विल में से वो कर देगा, और बाकी जितनी प्रॉपर्टीज है वो इस हिसाब से डिवाइड कर देगा। तो ये एक विल, एक प्रोटोटाइप है विल की जो कि मैं आपको दिखाया हूं। आपको जैसे मैं कहा था कि विल की अटेस्टेशन बहुत जरूरी है, कोई भी विल हो उसमें दो अटेस्टेशन या दो विटनेस होना बहुत जरूरी है। देखिए विटनेस का क्या तात्पर्य है, बहुत सिंपल है कि कभी भी ये विल चैलेंज हो तो ये विटनेस ही आपके विटनेस बॉक्स में आएंगे और बोलेंगे कि ये विल जो है होश हवाश में बनाई गई है और मेरे सामने साइन की गई है। इसीलिए अटेस्टेटर जो अटेस्ट करते हैं विल का, उनका बहुत बड़ा महत्व रहता है। मैं इसमें एक और आपको कहना चाहता हूं कि कई बार अभी एक केस मेरे पास में ऐसा आया कि जिसमें एक विल प्रोबेट के लिए गया था और चैलेंज हुआ है कोर्ट में, लेकिन उसमें जो अटेस्ट किया है वन ऑफ द विटनेस वो बदमाशी करने लग गया। वो बोला कि मैं विटनेस बॉक्स में तभी जाऊंगा कि आप मेरे को इतना रुपए दें। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या आती है कि अगर आप किसी को अटेस्ट भी करवा रहे हैं, अटेस्टेशन भी करवा रहे हैं, तो वो आदमी आपका हाथ का होना चाहिए। नॉर्मली हम लोग क्या सजेस्ट करते हैं कि एक विल एक वकील साइन करना चाहिए और एक डॉक्टर साइन करना चाहिए।
ये दो जन से अगर आप अटेस्ट करवाएंगे तो उसका काफी महत्व हो जाता है इन द आई ऑफ लॉ, क्योंकि वकील ये कोर्ट कचहरी में जाकर के विटनेस बॉक्स में जाकर के ये बोल सकता है कि ये विल होश और हवाश में बनाई गई है, विद द पर्सन हु हैज मेड द विल इज विद अ वेरी साउंड माइंड, एंड वकील बोल सकता है अटेस्ट, वकील की बहुत वकील का जो विटनेस होता है या एविडेंसेस होता है बहुत महत्व रखता है कोर्ट में, वो ये बोल सकता है कि भैया ये विल मेरे सामने साइन हुई है। इसीलिए आप अपना जब भी विल बनाएं तो मेक श्योर कि आपकी विल दो अटेस्टेशन होनी चाहिए, एंड जिसको आप बना रहे हैं एज एन अटेस्टेटर वो आपके हाथ के होने चाहिए। ये बहुत जरूरी है कि कभी अगर दरकार पड़े तो वो आकर के विटनेस बॉक्स में विटनेस दे सके। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको ध्यान रखनी चाहिए कि विल के जरिए आप अपनी संपत्ति को अपने एज के प्रति ट्रांसफर कर सकते हैं विदाउट एनी कॉस्ट। तो मेरे हिसाब से विल एक स्ट्रक्चरल टूल है जिसके हिसाब से आपकी संपत्ति आपके एज को जा सकती है विदाउट एनी कॉस्ट। देखिए अभी तक भारतवर्ष में इनहेरिटेंस टैक्स नहीं लगा है। आपको ध्यान होगा कुछ साल पहले, कई साल पहले एस्टेट ड्यूटी टैक्स लगता था, खैर गवर्नमेंट ने अबॉलिश कर दिया एस्टेट ड्यूटी टैक्स। एस्टेट ड्यूटी टैक्स क्या था जी, कि आपकी अगर संपत्ति एक्स है तो आपको उसकी वैल्यूएशन के हिसाब से एक्स परसेंटेज टैक्स देना पड़ेगा, गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा। खैर लकीली एस्टेट ड्यूटी टैक्स अब हट गया है, लेकिन इनहेरिटेंस टैक्स आने के पूरे चांसेस हैं। इनहेरिटेंस टैक्स भी यही होगा कि अगर आपकी प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है, ये अभी तक श्योर नहीं है, इनहेरिटेंस टैक्स खाली विल के थ्रू जो ट्रांसफर होगा उसमें भी लगेगा कि टाइम आने में जो जिसमें विल नहीं है उसमें लगेगा, ये अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। खैर जब भी लगेगा ध्यान रखिएगा कि इनहेरिटेंस टैक्स, आज अमेरिका में इनहेरिटेंस टैक्स 40-45% है जी। आज वहां के लोग अपनी विल में क्या, वो लोग क्या करते हैं, एक ट्रस्ट बना के जाते हैं, अपनी संपत्ति को ट्रस्ट के नाम में ट्रांसफर कर देते हैं ताकि इनहेरिटेंस टैक्स से बच जाए। भारतवर्ष में अभी कई सालों से हम लोग सुन रहे हैं कि इनहेरिटेंस टैक्स लागू होने वाला है, या हो सकता है कि गवर्नमेंट अभी इस तरह के सिचुएशन में इनहेरिटेंस टैक्स ले आए, जबकि आपकी प्रॉपर्टी अगर प्रोबेट के थ्रू भी, विल के थ्रू भी ट्रांसफर होती है या बिना विल के थ्रू भी ट्रांसफर होती है उसमें इनहेरिटेंस टैक्स लगता है, लग सकता है। पर मेरा ये कहना है कि आपकी प्रॉपर्टी अगर विदाउट एनी स्टैम्प ड्यूटी अगर आपके बेनिफिशियरीज या आपको एयर के थ्रू ट्रांसफर हो जा रही है, इससे अच्छा क्या हो सकता है। देखिए कई लोग सोचते हैं कि मेरे जीते जी मैं अपनी प्रॉपर्टी को गिफ्ट कर दूं, भाई अपने बच्चों को, मैं अपनी प्रॉपर्टी को बच्चों को गिफ्ट कर दूं। हाँ बिल्कुल आप कर सकते हैं, आपको कोई मना ही नहीं है, आपने गिफ्ट कर सकते हैं। लेकिन गिफ्ट जहां आप करने जाएंगे वहां पे आपकी एक स्टैम्प ड्यूटी लग जाएगी, एक रजिस्ट्रेशन कॉस्ट लग जाएगा, ये दोनों लग जाएगा आपको। तो आप अगर अपनी प्रॉपर्टी को विल के जरिए अगर आप ट्रांसफर करते हैं तो क्या है कि आपका इसमें कोई भी टैक्स, कोई भी स्टैम्प ड्यूटी कुछ नहीं लगता है। तो आज हम लोग एडवाइस करते हैं कि अपने क्लाइंटों को कि अगर आप अपनी विल, अपनी प्रॉपर्टी गिफ्ट करना चाहते हैं या ट्रांसफर करना चाहते हैं, आप विल के जरिए करिए। ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग टूल है जिससे कि आप स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन चार्जेस दोनों से बच सकते हैं। एक सलाह हम लोग जरूर देते हैं अपने क्लाइंटों को कि अपने जीते जी आपको अपनी सब संपत्तियां गिफ्ट नहीं करनी चाहिए। अपने जीते जी आपकी सब संपत्ति आपको कभी भी गिफ्ट नहीं करनी चाहिए। आपको मालूम होगा अभी ये रेमंड्स का जो केस हुआ है, विजय पर सिंगानिया ने अपने सब शेयर्स रेमंड्स के अपने बेटे गौतम के नाम ट्रांसफर कर दिए जीते जी। नाउ ही इज इन अंडर सच अ फाइनेंशियल मेस। विजय पर सिंगानिया के पास बोलते हैं कि ऐसी अवस्था हो गई है कि खाने के पैसे नहीं है, क्योंकि अपनी पूरी संपत्ति उसने अपने बेटों के नाम कर दी है और बेटा जो गौतम है वो उसकी उनकी परवाह नहीं कर रहा है। तो एक ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, आपने बल्कि आपको ध्यान होगा आपने सब एक पिक्चर देखे थे बागवान। बागवान में अमिताभ बच्चन और हेमा मालिनी अपने बच्चों के प्रति सब कुछ करते हैं, अपनी सब संपत्ति उन्हीं के नाम में ट्रांसफर कर देते हैं, उनके उनके पढ़ाई के लिए पैसा खर्चा कर देते, उनके पास कुछ पैसा बचता ही नहीं है। उसका उसका नतीजा क्या होता है कि वो एवरी टाइम अपने बेटों के
उनके बेटों के अंदर में रहते हैं, दे आर ऑलवेज अंडर देयर सन। उनके बेटे जो चाहते हैं, जो उनका ट्रीटमेंट करते हैं, वो उनको सहन करना पड़ता है। तो आज बागवान से, यू नो, आई टेल यू वन थिंग, कि बागवान एक ऐसी पिक्चर थी जो अपने को बहुत कुछ सिखाता है। एक राजेश खन्ना की भी एक पिक्चर आई थी पहले, मेरे को ध्यान नहीं है कौन सा था, उसमें भी सेम सिचुएशन होती है कि वो अपने बेटे उसको निकाल देते हैं, उनके पास कुछ पैसा नहीं रहता है, लेकिन ही वर्क्स हिज वे आउट। सिमिलरली अमिताभ बच्चन भी बागवान में अपनी बुक लॉन्च करता है एंड उसके बेटे उसके पास वापस आ जाते हैं। तो हम लोग एज अ लॉयर, मेरी तो सलाह ये रहती है कि जीते जी आपको अपनी सब संपत्ति गिफ्ट नहीं करनी चाहिए, आपको ये विल को अपना एक टूल बनाना चाहिए, जो कि इस टूल के जरिए आप अपनी इच्छा के प्रति अपनी प्रॉपर्टी को विल के जरिए ट्रांसफर करें, जिसके नाम में आपको करना है, आपके बेटे के नाम में करना है, बेटियों के नाम में करना है, जिसके भी नाम में करें आप उनके नाम में करें, लेकिन अपने जीते जी आपको अपने सब एसेट्स नहीं गिफ्ट करने चाहिए। जवाहर जी, मेरे ख्याल से इसमें बहुत कुछ बोलने को है, लेकिन मैं अभी ओपन हाउस को कुछ क्वेश्चन के लिए छोड़ देता हूं, बिकॉज इसमें और एक दो घंटे लग जाएंगे अगर मैं बोलना चाहूं, तो अगर अपने ओपन हाउस में छोड़ दे तो बेटर रहेगा। क्यों? ठीक है अजय, किसी को कोई प्रश्न हो तो अगर पूछ सके तो। नहीं, मैं थैंक यू अजय, थैंक यू सो मच फॉर सच ए नाइस टॉक। और तुम बोल रहे थे कि मैं अंग्रेजी में नहीं, हिंदी में नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन तुमने जितनी अच्छी हिंदी बोली है और जितना ज्यादा हिंदी में, मतलब प्रवाह धारा प्रवाह हिंदी तुमने बोली है। In fact, I was also not expecting this, but so many thanks to you. अच्छा, एक चीज मैं खाली बोलना चाहता हूँ, मेरे को याद आया, बोलना भूल गया। जो आप देखे होंगे कि conditional concurrent will, एक concurrent will भी होती है। ध्यान रखिएगा, concurrent will क्या होती है कि आपके अगर जगह जगह संपत्तियां हैं तो आप 10 will भी बना सकते हैं, आपको कोई रोक नहीं सकता है। अगर किसी की संपत्ति अब्रॉड है तो अब्रॉड अपनी प्रॉपर्टीज के लिए एक अलग बिल बना सकते हैं, भारतवर्ष की प्रॉपर्टी के लिए अलग बिल बना सकते हैं। अगर आपको ध्यान होगा एज ए लॉयर, सॉल्ट लेक में सॉल्ट लेक की प्रॉपर्टियां ट्रांसफर नहीं होती थी पहले, सॉल्ट लेक की प्रॉपर्टियां ट्रांसफर नहीं होती थी, तो हम लोग क्या करते थे कि वो प्रॉपर्टियों को ट्रांसफर करने के लिए एक अग्रीमेंट फॉर सेल बनाते थे और साथ साथ एक विल भी बनाते थे उसमें, जिसके जरिए जो प्रॉपर्टी अपनी बेचना चाह रहा है वो उस विल के जरिए वो प्रॉपर्टी वो ट्रांसफरी के नाम में लिख के चला जा रहा है। तो इसको बोलते हैं अपने कॉन्करेंट विल। सॉरी जवाहर जी, इट्स ऑल राइट, ज्यादा टाइम नहीं लेता हूँ। विशाल पचीसिया, आई थिंक यू हैव सम क्वेश्चन, तो यू कैन अनम्यूट योर सेल्फ एंड रेज द क्वेश्चन टू अजय प्लीज। मिस्टर विशाल पचीसिया इज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट। लवली विशाल जी, अगर आप बोल सके जी। नाइस, थैंक यू, टाइम कम लूंगा। बहुत ही प्रैक्टिकल आपने ये सेशन लिया है। व्हाट शुड बी द आइडियल एज फॉर मेकिंग विल सर, आपके हिसाब से? एक मिनट, मैं स्लाइड हटा देता हूँ जी, एक मिनट। आइडियल एज तो जैसे जैसे आपकी संपत्ति बढ़ती है, आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपको विल की एक दरकार है। अगर आपको लगता है कि अभी कोई संपत्ति नहीं है तो आपको कोई विल करने की दरकार ही नहीं है, पर जैसे जैसे आपकी अगर संपत्ति बढ़ती जा रही है, देन इट इज मोर इम्पोर्टेंट कि आप क्लियरली स्पेल आउट कर दें कि आप अपनी संपत्तियों को किस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं। देखिए, आज एक्सीडेंट्स, आज अपने सोचिए कि आज कोविड, इस कोविड के टाइम में आज हमारे प्राइम मिनिस्टर क्या बोल रहे हैं कि जान है तो जहां है। अरे हमारे, अगर कोविड में अगर मेरे पास जान रहेगी तभी मेरे लिए जहां है। तो अकॉर्डिंग टू मी यू आर ऑलरेडी लेट इन मेकिंग अ विल, क्योंकि किसी का जिंदगी का किसी का कोई भरोसा नहीं है जी, कोई भरोसा नहीं। और आप एक और एक चीज का ध्यान रखिएगा कि आपको वो पुरानी वाली बिल बनाए उसको कभी भी आगे चेंज कर सकते, कोई तकलीफ है नहीं। Now there are two or three more questions in chat box. Ajay, am I audible? Yeah, absolutely audible. Absolutely. एक दो क्वेश्चन और आए Ajay. Will can be more than one executor? Only one will. देखिए, will के आप तीन executor allow कर सकते, चार executor allow कर सकते, कोई तकलीफ नहीं, joint executors रहेंगे। आप ये भी लिख सकते will में कि अगर ये executor, अगर मेरी विल को अगर ये आगे नहीं एग्जीक्यूट नहीं करना चाहते हैं तो ये फलाना आदमी एग्जीक्यूट कर सकता है, तो कोई तकलीफ नहीं है। जॉइंट एग्जीक्यूशन में कई बार क्या हो जाता है, क्या तकलीफ आ जाती है कि
एक एग्जीक्यूटर बोल रहा है कि मैं विल एग्जीक्यूट करने का तैयार हूं, एक बोलता है मैं अभी एग्जीक्यूट नहीं करूंगा, तब आपको क्या होगा? आपको कोर्ट ऑफ लॉ के पास जाना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा कि इसको आप रिलीज करिए और आप सिंगल एग्जीक्यूटिव के हिसाब से ये बिल को एग्जीक्यूट करिए। In a way, you mean to say that there should, unless circumstances provide, there should not be more than one executor. Should not do it. Should not do it. Should not. But कई बार क्या होता है? कई बार आपको जैसे बताया कि कई executors बदमाशी करते हैं, कई बार अपने you know they play a foul game. तो जहाँ joint administrators रहते हैं, joint executors रहते हैं, वहाँ foul game होने का बहुत कम chances है. Another question, एक और आया है जय. After death, what are the formalities for execution? Okay, so immediately after death, yeah. the executor has to take a step. आपको जैसे बताया कि अगर आपकी properties कलकत्ते, बॉम्बे, दिल्ली में है, तो आपको probate निकालना ही पड़ेगा. अगर उसमें immovable assets है तो, अगर movable खाली movable assets है, तब आप आपको कोई आपको क्या नाम है ये प्रोबेट निकालने की दरकार नहीं है. बट क्या होगा उसमें आपको फिर सक्सेशन सर्टिफिकेट में जाना पड़ेगा, वो बहुत टीडियस प्रोसेस है. तो इसीलिए हम लोग यही सलाह करते हैं कि उसमें अगर मूवेबल एसेट हो या इमूवेबल एसेट हो, कोई भी एसेट हो, आप उसका प्रोबेट निकाल लीजिए. तो एग्जीक्यूटर क्या करेगा, इमीडिएटली आफ्टर द डेथ ऑफ द टेस्टेटर, जिसने ये अपने वसीयत करता जो है, डेथ के बाद में जो एग्जीक्यूटर है वो इमीडिएटली हाई कोर्ट में अप्लाई करेगा फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ दैट विल. ना वो एग्जीक्यूशन का विल कैसे होता है, वो एक एप्लीकेशन जाता है जिसमें एग्जीक्यूटर साइन करता है. और इस एप्लीकेशन में हम लोग जितने एड्स हैं, वो वसीयतकर्ता के जितने एड्स हैं, उनके एनओसी ले लेते हैं हम लोग. एनओसी खाली यहां तक है कि हमको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है विल एग्जीक्यूट अगर करता है तो. एक और प्रश्न आया अजय, एक प्रश्न और आया अजय, व्हाट हैपेंस इफ एग्जीक्यूटर डाइज बिफोर द टेस्टेटर? अच्छा, अगर एग्जीक्यूटर गुजर जाए और ये आपके पास अगर विल की कॉपी है, तब तो बहुत अच्छी बात है. आप हाई कोर्ट को अप्लाई करिए या कोई भी कोर्ट को अप्लाई करिए, एंड द कोर्ट विल अपॉइंट एन एडमिनिस्ट्रेटर और एन एग्जीक्यूटर. कोर्ट विल अपॉइंट एन एडमिनिस्ट्रेटर. हमारे काम है. अब कई बार ये हो सकता है वीडियो उनके आपको मालूम ही नहीं है कि उसमें विल है कि नहीं है, क्या एग्जीक्यूटिव के पास विल रह गई. सबको म्यूट कर दीजिए. राठी जी, हेलो राठी जी, सबको म्यूट कर दीजिए प्लीज. गगर जी, गगर जी, एक प्रश्न चल रहा है. गगर जी, आने दीजिए. अगर नहीं, विटनेस दोनों खत्म हो जाए तो क्या हुआ इन दैट केस? गगर जी देखिए, जिसने विल लिखी है, जो टेस्टेटर है, उसकी सिग्नेचर की एविडेंस दिलवानी पड़ेगी. अच्छा, वो कैसे करते हैं आपको बताता हूँ. आज हम लोग हैंड राइटिंग एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं, कोर्ट के ऑर्डर से हैंडराइटिंग एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं, और जो जो ये आपके वसीयत करता है उसकी सिग्नेचर को हम लोग वेरीफाई करवाते हैं. अगर कोर्ट वेरीफाई हो गई कि ये सिग्नेचर जो है, जो ये सिग्नेचर मैच करती है वसीयत करता से, तब आपको कोई तकलीफ नहीं आएगी, इवन दो आपके विटनेसेस गुजर गए हैं. लेकिन कई बाई चांस अगर ये मालूम पड़ता है कि ये जो सिग्नेचर है ये 19-20 हो रहे हैं, कई बार आपके हाथ कांप जाते हैं, और हाथ कांपने में आपकी सिग्नेचर सही नहीं होती है, तब आपको बड़ी दिक्कत आ सकती है कोर्ट ऑफ लॉ में. ऐसे कई सारे केसेस हुए हैं जिसमें कि जो सिग्नेटरी है वो अपने ओल्ड एज में अपनी विल छोड़ के गए हैं, कांप रहा था, और बाद में जाकर के हम लोग उसमें कोई अटेस्टेशन, जो विटनेस थे वो गुजर गए, हम लोग को काफी तकलीफें आई उनका सिग्नेचर को वेरीफाई कराने में, उनके सिग्नेचर को ऑथेंटिकेट कराने में बहुत बहुत तकलीफें आई. अजय, एक क्वेश्चन और है अजय. हाँ जी, व्हाट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटर? हेलो बोलो, जोर से बोलो. गगर जी, हाँ जी,
अगर विटनेस डेथ हो जाती है तो स्टेट केस क्या होगा? हाँ जी, विटनेस की डेथ हो जाती है उस केस में क्या होगा? मैं अभी आपको ये आंसर किया ना, अगर विटनेस की डेथ हो जाती है, अगर आपकी विल चैलेंज नहीं होती है, तब तो कोई तकलीफ नहीं है आपको। प्रोबेट कोर्ट क्या है कि जब आप एप्लीकेशन करते हैं ना प्रोबेट के लिए, तब आपको कोई दरकार नहीं है, अटेस्टेशन की कोई दरकार नहीं है। दरकार पड़ती है, हम लोग अटेस्टेशन का भी एक एनओसी लेते हैं, जो अटेस्ट करते हैं उसका भी, विटनेस का भी एनओसी लेते हैं, लेकिन अगर उस कोई बाई चांस वो गुजर जाते हैं तो हम लोग कोर्ट को एप्लीकेशन के दरमियान इत्तला कर देते हैं कि ये जो विटनेस है ये गुजर गए हैं, इसीलिए उनकी एनओसी हम लोग ले नहीं पा रहे हैं। और दूसरा सकते हैं, हाँ जी, यदि जीवित विटनेस मर गया तो हम विटनेस बदल दें? हाँ, अगर आप जीवित हैं आप विटनेस को ऑलवेज बदल सकते हैं, आप एक फ्रेश विल बनाइए और नए विटनेस ले आइए, कोई तकलीफ नहीं है। यदि वो प्रोबेट हुई भी हो या रजिस्टर्ड हो तो? देखिए, प्रोबेट रजिस्टर्ड में आपको जैसे बताया ना, रजिस्ट्रेशन के बाद भी आप विल बना सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं है। बना तो सकते हैं लेकिन अगेन रजिस्टर्ड कराओ, कोई दरकार नहीं है, कोई दरकार नहीं है। अगर आपके पास अनरजिस्टर्ड विल है और अगर वो अनरजिस्टर्ड भी रह गई है, उसके पहले वाली विल रजिस्टर्ड है, तो कोई तकलीफ नहीं है। अगर आपको लेकिन प्रूफ करना पड़ेगा कोर्ट ऑफ लॉ में कि जो अनरजिस्टर्ड विल है वो प्रिवेल करती है रजिस्टर्ड विल से, बिकॉज वो बाद में बनाई गई है। लेकिन सर्वाइवल सर्टिफिकेट की तो जरूरत पड़ती है, छोटी से छोटी चीज हो। देखिए, विल होने पे आप जो सर्वाइवल की बात कर रहे हैं वो हिंदू सक्सेशन एक्ट के हिसाब से बोलते हैं सक्सेशन सर्टिफिकेट। जहाँ कोई विल नहीं हो। आई हैव अ क्वेश्चन ऑफ डायनेमिक एसेट, कैन द डायनेमिक एसेट, कैन द शेयर्स इन डीमैट अकाउंट ऑन द डे ऑफ डेथ, बिकॉज इट कैन नॉट बी डिफाइंड इन द विल व्हिच कीप्स ऑन चेंजिंग, कैन द शेयर्स इन द डीमैट अकाउंट बी टेकन एज एसेट ऑन द डे ऑफ डेथ? तो अगर बहुत सिंपल चीज है, अगर आपके विल में, देखिए मैं एक चीज बोला कि विल बननी चाहिए एकदम सिंपल तरीके से बननी चाहिए, जब आप विल कॉम्प्लिकेट करेंगे वहां आपके और समस्याएं आगे जाकर की होगी। तो अगर आपने ये लिख दिया विल में कि मेरे डीमैट में जितने शेयर्स हैं वो इस तरह से डिवाइड होने चाहिए, तो आप उसको एग्जीक्यूशन उसी हिसाब से करेंगे। आपको आइडेंटिफाई करना की कोई दरकार नहीं है कि मेरे डीमैट में ये शेयर्स हैं और वो इस तरह से बिक्री हो, इस तरह से डिवाइड होने चाहिए। अगर बाय चांस आप इस तरह की अगर विल बनाए हैं, ये भी ध्यान रखिएगा, अगर आप इस तरह की कोई विल बनाए हैं जिसमें आपने शेयर आइडेंटिफाई किए हैं। अजय जी, एक मिनट मैं इनको आंसर कर दूं। अपने को एक एक करके क्वेश्चन करना चाहिए, और ज्यादा समय नहीं है, अपने को 3 क्वेश्चन और ले सकते हैं, मच मोर टाइम। एक प्रश्न अजय और आया है चैट बॉक्स में, ये है कि डीमैट के जो शेयर्स होते हैं उसमें नॉर्मली नॉमिनी लिखा जाता है, एज ऑफ टुडे आइदर और सर्वाइवल की बात डीमैट में नहीं लिखी जाती, जो बैंक में लिख दी जाती है। ठीक बात है। उस केस में क्या होता है, अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे शेयर मेरे जाने के बाद में मेरी वाइफ को मिले, व्हाट शुड आई डू इन दैट केस? दिस इज अ वेरी जनरल क्वेश्चन, क्वेश्चन आया, इसीलिए मैंने आपके प्रश्न किया है। जैसे मैंने आपको कहा था जी, हाँ, नॉमिनी जो भी है, कोई भी एसेट का कोई भी नॉमिनी है, ही इज नॉट द बेनिफिशियरी ऑफ दैट एसेट, नॉमिनी इज ओनली अ केयरटेकर ऑफ दैट एसेट। अगर सपोज आपने शेयर्स के डीमैट में किसी को नॉमिनी बनाया है, लेकिन आपने विल बनाई है और विल में वो शेयर्स के बेनिफिशियरी किसी और को बनाया है, तो वो शेयर्स वो बेनिफिशियरी को जाएंगे, नॉमिनी को नहीं जाएंगे। उसमें क्वेश्चन नंबर वेरी करेक्ट। सिग्नेचर के साथ थंब इम्प्रेशन भी लगाना चाहिए। देखिए, आपकी ऐसी दरकार नहीं है, आप सिग्नेचर भी कर सकते हैं, थंब इम्प्रेशन भी कर सकते हैं, दोनों यू नो अलाउड है एज पर द विल। आप थंब इम्प्रेशन, कई लोगों के जो हम लोग कई लोग एजेड हो गए हैं जिनका हाथ कांपता है, उनका हम लोग थंब इम्प्रेशन करवाते हैं, सिग्नेचर नहीं करवाते, बिकॉज सिग्नेचर कई बार चैलेंज हो सकता है, तो उनके लिए थंब इम्प्रेशन ही कराते हैं। लेकिन अगर आप जवान हैं, आप अगर एकदम तंदुरुस्त हैं, तो आपको थंब इम्प्रेशन की कोई दरकार नहीं है। अगर आप एडिशनली करवाना भी चाहते हैं तो कोई दरकार नहीं है, दोनों चीज कर सकते हैं, कोई मना ही नहीं है। थैंक यू। कोई डिस्टर्ब है नंबर वाइज कर रहे हैं और किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो तो? अजय जी, हाँ जी, वन पॉइंट एक का आप क्लियर कर दीजिए।
आपने बताया एग्जीक्यूशन में ऑफ द विल काफी डिले हो सकती है फॉर सम रीजन और कुछ हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। जब आपने विल किया, आप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और चाहते हैं कि आपकी वाइफ और बच्चे एकदम आराम से रहें, उनको इतना इतना लाख करोड़ रुपया लाख रुपया मिल जाएगा, पर बाई चांस फॉर सम रीजन एग्जीक्यूशन में डिले हो गए, तो इट इज बेटर कि सारा प्रॉपर्टी विल के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट न करके पार्टली बाई द एन्यूटी, सो दैट उनको उनकी डेथ के बाद में एन्यूटी पॉलिसी उनके लिए तैयार रहे और दे गेट द मनी सेफली। वो आपका क्या एडवाइस है उसके बारे में? तो इसमें मैं जैसे आपको बताया, आज विल में डिले क्यों होते हैं, विल में जब भी डिले होती है जब कोई ऑब्जेक्शन लेता है विल में, लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्शन नहीं लेता है तब प्रोबेट आप मान के चलिए 6 से 8 महीने के अंदर में प्रोबेट आ जाता है। प्रॉब्लम तभी आती है जब उसमें लोग अड़ंगा डाल देते हैं, ऑब्स्ट्रक्शन डाल देते हैं, तब आज आपको मालूम होगा कि आज आपके हाईकोर्ट में करोड़ों केसेस चल रहे हैं, जो विल के केसेस होते हैं बैकशीट दे दिया जाता है अपने अपने, अपने हाईकोर्ट में उनको बैकशीट दे दिया जाता है। इसके कारण अगर उसको अगर कोई भी जज अगर उस केसेस को वॉर फुटिंग में ले तब तो ये 6 महीने में ही सोल्यूशन निकल सकता है कि भाई ये विल जेन्युइन है कि नहीं है। आज आप अगर आप देखेंगे बिरला मैटर में, आज बिरला का मेरे ख्याल से प्रियम बताओ बिरला के बिल शायद 2003 या 2004 में उन्होंने छोड़े थे, आज 2020 में आ गए हैं, अब जाकर के बिल की ट्रायल शुरू हुई है, आज 15 साल हो गए कुछ नहीं हुआ, एप्लीकेशन पे एप्लीकेशन लगते हैं, 15 साल के बाद में बिल की अब ट्रायल शुरू हुई। जैसे आप कह रहे हैं कि हाँ आज मैक्सिमम संपत्ति आपकी आपको के थ्रू करनी चाहिए, लेकिन एज अ स्टैंड बाय आप अपनी प्रॉपर्टी अपने बच्चों या अपनी वाइफ के नाम में ऑलरेडी कुछ ना कुछ गिफ्ट करके जा ही सकते हो, उसमें कोई तकलीफ नहीं। गगन जी ध्यान रखिएगा कि अगर आप प्रॉपर्टी गिफ्ट करते हैं तो आप उसमें फालतू की स्टैंप ड्यूटी दे रहे हैं, रजिस्ट्रेशन चार्जेस दे रहे हैं, लेकिन अगर आप विल के जरिए अगर आप ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर करेंगे तब आपको ना तो कोई स्टैंप ड्यूटी लगेगी ना कोई रजिस्ट्रेशन चार्ज लगेगा। फॉर्चुनेटली बंगाल में अपने बंगाल में गिफ्ट में स्टैंप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन चार्जेस बहुत कम है, इट इज ओनली 0.5% ऑफ द स्टैंप ड्यूटी एंड 1.1% ऑफ द रजिस्ट्रेशन चार्जेस, लेकिन बंबई और दिल्ली में गिफ्ट में स्टैंप ड्यूटी बहुत ज्यादा है। हाँ रतन बाबू आप कुछ बोलना चाहते हैं? रतन जी बताइए, छोटे से क्वेश्चन है। एक तो अगर कोलेटर अगर प्रॉपर्टी कोई कोलेटर में पड़ी है तो उसको कौन एग्जीक्यूट करेगा, उसको छुड़ाएगा कौन, एक पॉइंट। दूसरा ये प्रोबेट क्या हम आज आफ्टर डेथ मिलता है या पहले भी निकाल सकते हैं? ये मेरे दो क्वेश्चन। प्रोबेट जो है वो आफ्टर आफ्टर डेथ ही निकलता है, वो भी एग्जीक्यूटर जो है आपके विल का वो ही निकाल सकता है। नंबर वन, आपकी अगर प्रॉपर्टी कोलेटर में पड़ी है तो आप अपने विल में ये छोड़ सकते हैं कि जो जो मेरी जितनी लायबिलिटीज है वो एग्जीक्यूटर मेरे संपत्ति में से वो लायबिलिटी को पूरी कर करके अपनी प्रॉपर्टी को छुड़ा सकता है और उसके बाद में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। तो आप अपने विल में लिख सकते हैं ये कि मेरी जो संपत्ति है, मेरी कोई भी लायबिलिटी अगर हो तो वो एग्जीक्यूटर पहले वो लायबिलिटी को मेरे संपत्ति में से क्लियर करे और उसके बाद में वो जो भी मेरी संपत्ति बचेगी वो इन इन, इन, इन लोगों के बीच में डिवाइड कर दे। मैंने प्रॉपर्टी तो मेरे एक पर्टिकुलर पर्सन के नाम में किया है और वो जॉइंट फैमिली के अंदर में वो पड़ी है, कोई कोलेटर दिया हुआ है तो फर्म को ही निकालना होगा ना, बिजनेस फर्म को ही उसको कोलेटर से निकालना होगा, वो नहीं निकाले तब क्या किया जाए? माने आप बोल रहे थर्ड पार्टी कोलेटर दी हुई है ना? थर्ड पार्टी नहीं, बिजनेस में दी हुई है कोलेटर, उसके बाद के अंदर में सिंगल पर्सन के नाम से हमने किया है प्रॉपर्टी को आपने आफ्टर सम टाइम जो डिस्प्यूट होता है जो हो जाता है देन तो वही मैं आपको कहना चाह रहा हूं, अगर पर्सनल प्रॉपर्टी कोई कोलैटरल में दी हुई हो तो ये एग्जीक्यूटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि वो अपनी उसी उन्हीं की एस्टेट में से वो लायबिलिटी पूरी करे और वो प्रॉपर्टी को छुड़ा करके डिस्ट्रीब्यूट करे। तो ये आप अपनी जो विल बना रहे हैं आपको विल में बहुत क्लियर शब्दों में ये स्पेल आउट कर देना चाहिए आपको। गगर जी प्रोबेट आफ्टर डेथ के कितने दिन के अंदर करना पड़ता है? देखिए कोई टाइम लिमिट नहीं है इसमें कोई टाइम लिमिट नहीं है, लेकिन आप तो यही चाहेंगे कि आफ्टर डेथ जितनी जल्दी हो। एज ए
एन एग्जीक्यूटर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि आप जितनी जल्दी हो अपना प्रोबेट निकालें और वो प्रॉपर्टीज को डिस्ट्रीब्यूट करें बेनिफिशियरीज के अमंगस्ट में. बट अगर और हेयर्स उसमें नो ऑब्जेक्शन करेंगे तो कोर्ट में बहुत ज्यादा टाइम लग जाती है. कई बार टाइम लग जाती है जी ये नो ऑब्जेक्शन लेने में. कई एस बदमाशी करते हैं. आज कई बार हम लोग इस तरह के सिचुएशन में आए हैं कि कई एस बदमाशी भी करते हैं, वो अपना नो ऑब्जेक्शन देते नहीं है. तो हम लोग को उसमें कोर्ट को इन्फॉर्म करना पड़ता है कि ये फलाना अपना एनओसी नहीं दिया है, तो उसकी एक फॉर्मेलिटी कंप्लाई करनी पड़ती है. ओके, थैंक यू वेरी मच. काफी लंबा सेशन हुआ अपना. अब लास्ट एक शब्द कहना चाहूंगा जी. जी जैसे बचीजिया जी ने कहा कि विल कब बनाना है, मैं तो यही कहूंगा कि यू आर टू लेट फॉर मेकिंग अ विल, यू शुड हैव डन इट यस्टरडे. और एक अच्छी कहावत है, प्रोवर्ब है कि द ग्रेट सोल्स हैव विल्स, द ग्रेट सोल्स हैव विल्स एंड द फीबल्स हैव ओनली विशेस. माने जो ग्रेट सोल्स होते हैं वो अपनी विल बना के जाते हैं, जो कमजोर होते हैं वो खाली इच्छा प्रकट करके छोड़ के चले जाते हैं. तो मेरा एक ही कहना है कि ये विल, सबको अपनी विल बनानी चाहिए. अपनी विल बहुत सरल तरीके से बनानी चाहिए ताकि उसमें किसी तरह की कोई कॉन्ट्रोवर्सी नहीं आए. थैंक यू सो मच. थैंक यू अजय, आपने बहुत पॉइंट क्लियर कर दिए. आई विल टेक टू मोर मिनट्स अजय. आपने बहुत सिंपल पॉइंट बता दिए. आदमी सीधा प्लेन कागज पे विल लिख सकता है. बिल्कुल. हिंदी अंग्रेजी कोई लैंग्वेज की लिमिट नहीं होती है. कोई लिमिट नहीं है. आप हिंदी कोई भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं. आप विल को चाहे जितनी बार बदल सकते हैं. बिल्कुल. आप रजिस्ट्रेशन अपने हिस्से के लिए करवा सकते हैं, अदरवाइज नॉट नेसेसरी, कानूनन जरूरी नहीं होती है. ये कई बातें जो एक तरह से मिसनोमर हुआ था लोगों में, आज आपने काफी हद तक क्लियर कर दिया. एक लास्ट पॉइंट अजय ये रेज करना चाहूंगा. नॉमिनेशन जो वर्ड है LIC में भी लिखा हुआ रहता है, बैंक अकाउंट में भी लिखा हुआ रहता है, शेयर अकाउंट में भी लिखा हुआ रहता है, इस वर्ड का लीगली कोई मीनिंग होता है क्या? और हाउ डज इट डिफर विद द विल? आपने अच्छी बात कही, ये मेरे को पॉइंट आउट कर देना चाहिए था. बताइए, अगर LIC में अगर आप नॉमिनी हैं, LIC खाली पॉलिसी में अगर आप नॉमिनी हैं, तब सुप्रीम कोर्ट होल्ड किया है कि जो नॉमिनी है उसी को प्रॉपर्टी मिलनी चाहिए खाली LIC के लिए. बाकी जितने नॉमिनीज अपॉइंट होते हैं बैंक अकाउंट में या शेयर्स में, लेकिन वो नॉमिनी खाली केयरटेकर है, वो अगर उसके विल में बेनिफिशियरी कोई और है तो वो ही बेनिफिशियरी बन सकता है. ओके, सो दिस इज अ वेरी गुड पॉइंट दैट यू हैव क्लियर्ड. सो नाइस ऑफ यू. थैंक यू. मे आई नाउ रिक्वेस्ट आवर वाइस मोता जी, इंद्र कुमार जी मोता. राधे श्याम जी. हाँ जी, एक पॉइंट बताइए. एक मिनट वो बोलिए आराम से. नॉमिनी अगर है और विल नहीं बनाया है, विल बनाया ही नहीं है, खाली नॉमिनी लिखा है, देन अगर आपने अगर नॉमिनी बनाया और विल नहीं बनाया है, तो जो एज पर द हिंदू सक्सेशन एक्ट, ओके, जो भी उसके हकदार है वो क्लेम कर सकते हैं उस प्रॉपर्टी को. तो मतलब आप बहुत क्लियर बात आपने कह दी कि नॉमिनी एज सच इज कोई ओनर नहीं होता है, वो खाली केयरटेकर. ओनली आप केयरटेकर. ये काफी बड़ा पॉइंट क्लियर हुआ अजय. आज कई लोगों के मन में भ्रम था ये नॉमिनेशन का. बहुत बड़ा पॉइंट क्लियर कर दिया. आई थिंक मेनी पीपल विल एग्री विद मी. और आई एम सो थैंकफुल फ्रॉम परिषद साइड कि आपने इतना समय दिया अजय. अपने लोग तो मिलते ही रहते हैं, लेकिन बहुत धन्यवाद जी. नहीं, विषय भी आते हैं, आर्थिक विषय भी आते हैं, और कभी कभी इस तरह के सामाजिक विषय में साथ कानून जुड़ जाते हैं, ऐसे विषय भी अपने लोग लेते रहते हैं. तो सब लोगों से निवेदन है कि इस तरह के कार्यक्रम में आप लोग जितना भाग ले सके सबके लिए फायदेमंद होगा. और आपके सजेशन अगर कोई भी इस तरह के हों तो आप जरूर हमको दीजिए, हम लोग कोशिश करेंगे उन सजेशंस को इम्प्लीमेंट करने का. थैंक यू वेरी मच टू एवरीबडी दोज यू हैव जॉइंड वंस अगेन. थैंक्स.